Good morning, everyone. Welcome back to our channel, Rostrum Legal. Am I audible and visible to all of you? Please confirm. Okay. Good morning Akansha, good morning Priyanshu, good morning Akhil. Akhil, actually बेटा मुझे आपका मैसेज मिल गया था, तो आपने मुझे मैसेज किया था और I'll make sure कि जो आपने रिक्वेस्ट की है मैं वो चीज़ें कर पाऊँ, जो केसेस आपने मुझे बोले हैं. तो एक बार मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अभी, इसलिए मैंने उस मैसेज को अभी ओपन करके नहीं देखा है, बाकी मैंने रिसीव कर लिया मैसेज. ओके, सो I'm audible, right? Audible, visible. Okay. So today we are here with a new case, with a new landmark judgment of Supreme Court of India, which is Jasdeep Singh at the rate Jassu versus the state of Punjab. Good morning, Satakshi Goswami. Very good morning, beta. ठीक है. तो basically आज का जो case है ना, वो भी criminal law पर ही depend कर रहा है, related है. Sorry. ठीक है. यहाँ पर section 34 को डिस्कस किया गया है. जैसे कल जो हमने केस डिस्कस किया था, राम रतन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कल का केस भी था ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी क्रिमिनल लॉ से ही रिलेटेड था. और जो कि हमने देखा है इस बार के पेपर में, क्रिमिनल लॉ का इन्फ्लुएंस हमें अच्छा खासा देखने को मिला था क्लर्क पीजी 2022 के पेपर में. ठीक है. दूसरी चीज की जब हम बात करते हैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखे हैं कि क्रिमिनल लॉ के केसेस बहुत ज्यादा लैंडमार्क केसेस पूछे जाते हैं, रिसेंट केसेस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो या वो किसी के भी अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हो. क्योंकि अभी एमपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी लगभग 14-15 केसेस पूछे गए थे, जिसमें से बहुत सारे लैंडमार्क केसेस थे. क्लियर है. तो लैंडमार्क केसेस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा. क्लियर हो रहा है. और यूजीसी नेट की तो बात ही नहीं करनी है, वो तो फिर एकदम केसेस पे ही खेलते हैं पूरा. ठीक है ना. तो ये जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना आपके साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आप किसी भी, चाहे आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की, चाहे वो यूजीसी नेट की, चाहे एपीओ एडीपीओ किसी की भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा हो. ठीक है ना. गुड मॉर्निंग मयंक झा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. सो बेसिकली आज का केस जो है ना, वो सेक्शन 34 के आसपास घूमेगा. और वो ये बताएंगे कि क्या सेक्शन 34 जो है उसमें जो वर्ड है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, वो जो चीज है उसका क्या सेंस है, कब सेक्शन 34 अप्लाई होता है, कब सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होता है, सेक्शन 34 के लगाने के पीछे की रीजनिंग क्या है. जैसे कि कल हमने जो केस डिस्कस किया था, तो बिफोर जंपिंग ऑन टुडेस टॉपिक लेट डिस्कस व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. तो लास्ट सेशन में हमने राम रतन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस डिस्कस किया था, और जिन्होंने वो सेशन अटेंड नहीं किया है उनको मैं ब्रीफिंग दे देता हूं कि उस केस में हुआ क्या था. तो बेसिकली जो हमारा लास्ट केस था, लास्ट सेशन में जो हमने केस डिस्कस किया था राम रतन सिंह, तो वहां पर कुछ नहीं, बस बेसिकली ये चीज निकल कर आई थी कि जो सेक्शन 397 है, ठीक है, जिसमें आप बात करते हो कि आप वेपन का यूज करके, एक्चुअल वेपन का यूज करके, डेडली वेपन का यूज करके आप रॉबरी कमिट करते हो, समझ में आ रही बात. तो वहां पर क्या हुआ, क्या था कि एक बंदा जो कंप्लेनेंट था, वो भाई सो रहा था अपने खेतों पर, जो टेम्पररी हट बनाए जाते हैं वहां पर सो रहा था. और अचानक से होता है कि रात में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास 3-4 लोग उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं और बंदूक वगैरह उसकी छाती पर लगाकर, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसको रख कर क्या बोलते हैं कि भैया पैसा चाहिए हमको जो आपके पास है. तो बोलता है कि भैया पैसा तो नहीं है हमारे पास. ठीक है. तो बोलते जब पैसा नहीं है तो एक काम करो, मोबाइल दो. उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसकी बाइक की चाबी लेके उसकी बाइक लेकर जाने लगते हैं, उसको भी बैठा लेते हैं साथ में कि तुम भी बैठो, तुम भी चलोगे मेरे साथ. ठीक है भैया, उसको बैठा लेते हैं. रास्ते में होता क्या है कि बाइक पंचर हो जाती है, तो उनको छोड़ के, उस बंदे को जो कंप्लेनेंट है उसको छोड़ के, लोग तीनों लोग निकल जाते हैं बाइक लेके. ठीक है. मोबाइल उनके पास था, बाइक उनके पास थी, ये कंप्लेन करते हैं जाके. कंप्लेन करने के बाद, गुड मॉर्निंग मीनल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. तो कंप्लेन करने के बाद होता क्या है कि कंप्लेन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो भैया मोबाइल भी उनके पास से रिकवर किया जाता है और मोटरसाइकिल भी उनके पास से रिकवर की जाती है. क्लियर है. तो कोर्ट क्या है, जो ट्रायल कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं सेक्शन 392 रॉबरी, सेक्शन 397 डेडली वेपन का यूज करना,
सेक्शन 11 एंड 13 ऑफ द लोकल एमपी एक्ट, एमपी लोकल एक्ट और फायर आर्म्स एक्ट के सेक्शन, इनके ऊपर लगा देती है। तो चार एक्यूज होते हैं, चार एक्यूज को करती क्या, तीन एक्यूज होते हैं, उनको तीनों को उठाकर ये इन सारे चार्जेस के अंदर में बंद कर देते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट में अपील फाइल करते हैं तो हाईकोर्ट भी सेम चीज बोलते हैं और हाईकोर्ट भी इनके जजमेंट को क्या करते हैं, वो कर देते हैं, अपहेल्ड कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही बोला है और ये लोग वाकई में लाइबल होंगे। ठीक है, जबकि उनका बोलना ये था कि सर सेक्शन 397 कैसे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि डेडली वेपन का यूज ही नहीं किया गया है। ठीक है, यहां पर बंदूक जो है वो इस्तेमाल ही नहीं की गई, चलाई नहीं गई है। और दूसरी चीज कि क्या किसी एक बंदे की बंदूक दिखा देने से बाकी सब लोग भी सेक्शन 397 के एम्बिट में फॉल कर जाएंगे, ये कंटेंशन रेज किया गया था बाय द अपीलेंट, जब अपीलेंट ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो अपीलेंट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहली चीज की सेक्शन 397 में एक्चुअल यूज नहीं बोला गया है, कि आप एक्चुअल यूज करना जरूरी है सेक्शन 397 का। और दूसरी चीज सेक्शन 397 है वो इंडिविजुअलिटी पर बात करता है, वो सेक्शन इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, वो कलेक्टिवली लोगों पर अप्लाई नहीं होता है, जो कि सेक्शन 34 बात क्या कर रहा है, वो कलेक्टिवली अप्लाई कर रहा है चीजों को। समझ में आ रही बात? तो जब हम सेक्शन, अभी जो केस है जसदीप सिंह, वो जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई सेक्शन 34 है क्या एक्चुअली, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार क्यों सेक्शन 34 को अप्लाई कर दिया जाता है। गुड मॉर्निंग निहारिका, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या कि जो केस हम रामरतन वाला डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहली चीज तो ये कि सेक्शन 397 जो है वो इंडिविजुअल पर अप्लाई होगा, कलेक्टिवली अप्लाई होगा नहीं। तो आप जो चीजें सोच रहे हैं कि भाई सेक्शन 397 जो है वो सब पर अप्लाई हो जाएगा और मिनिमम पनिशमेंट देकर आप निकल जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहां पर सेक्शन 397 जो है वो एक ही बंदे पर अप्लाई हो रहा है जो एक्चुअली डेडली वेपन का यूज कर रहा है। क्लियर है? और वो डेडली वेपन कुछ भी हो सकता है, फायर आर्म भी हो सकता है, मतलब बंदूक भी हो सकती है, चाकू भी हो सकता है जिससे मारा जा सकता है। कुल मिलाकर डेडली वेपन की कोई डेफिनेशन, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चीज ही डेडली वेपन होगी। समझ में आ रहा है? तो इनका बोलना ये था क्योंकि एक ही बंदे ने यहां पर डेडली वेपन यूज किया गया था, और अपील फाइल करी थी किसने, रामरतन ने। तो इनका बोलना ये था कि भाई ये जो है वो सेक्शन 397 के एम्बिट में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? और क्योंकि सेक्शन 397 के एम्बिट में नहीं जा रहे, तो सेक्शन 11 और 13 जो अप्लाई किया गया था एमपी लोकल एक्ट का, वो इन पर अप्लाई नहीं होगा। फायर आर्म्स एक्ट अप्लाई इन पर था नहीं कभी, क्योंकि बंदूक इनकी थी ही नहीं, बंदूक किसी और से कवर हुई थी। ठीक है ना? इनका बोलना कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब रह गया केवल सेक्शन 392। गुड मॉर्निंग मेहुल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहां पर इनका बोलना यह था कि अब भाई रह कौन गया, अब रह गया केवल सेक्शन 392 जो कि बात करता है ऑफेंस पनिशमेंट फॉर रॉबरी। तो रॉबरी की पनिशमेंट जो दी गई वो सेक्शन 392 में दी गई। तो उनका बोलना यह था कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि जो यहां पर जिस तरीके से चीजें की गई हैं उसमें उन्हें पनिशमेंट किस चीज की मिलनी चाहिए, 3 साल के लगभग पनिशमेंट दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन ऑलरेडी वो बंदा लगभग 3.5 साल, 3 years 5 months 1 day ऑलरेडी जो है वो काट चुका था इंप्रिजनमेंट में। समझ में आ रही बात? रामरतन, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो कि जितनी हम यहां पर पनिशमेंट देना चाह रहे हैं या जितनी सफिशियंट वो है पनिशमेंट, वो ऑलरेडी ये काट चुके हैं इंप्रिजनमेंट में, और अगर हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं तभी जाकर जस्टिस सर्व की जो दो एंड्स है ना वो तब जाके ही दोनों एंड्स मिलेंगे, तब जाकर ही समझा जाएगा हाँ भाई जस्टिस सर्व हुआ है। क्लियर हो रहा है? अगर हम इनको और 3 साल रखेंगे तो फिर फायदा क्या है कि ऑलरेडी बंदा 3.5 साल से बंद है, फिर 3 साल और लो तो ये तो टोटल 6.5 साल हो गए, क्योंकि पनिशमेंट यहां पर मिलनी चाहिए 3 साल की। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही चार्ज इनके अगेंस्ट प्रूव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इन्होंने अपनी सजा काट ली है, फाइन इनके ऊपर जो लगाया गया है वो ये पे कर दें और इनको इनके लिबर्टी पर छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला कि नहीं, केवल सेक्शन 392 है जिसके अंदर लाइबल होंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल और जो बाइक है वो उनके वो रिकवर की गई है और रॉबरी यहां पर प्रूफ हो रही है, लेकिन सेक्शन 397 यहां पर प्रूफ नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये था पूरा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 397 जो है वो कलेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है, वो इंडिविजुअली अप्लाई होता है। समझ में आ रही बात? सो लेट्स जंप ऑन टुडेस टॉपिक व्हिच इज जसदीप सिंह वर्सेस एट द रेट जस्सू वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। क्लियर है? डिसाइडेड ऑन द 7th ऑफ जनवरी 2022 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कॉल एंड जस्टिस एमएम सुंदरेश। तो ये जो 2 judges बेंच थी इन्होंने इस केस को डिसाइड किया था और सुप्रीम कोर्ट के। और यहां पर बेसिकली हुआ क्या कि आप एक चीज समझिए कि इस केस में बात चल क्या रही थी कि अगर हम इस केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहां पर हुआ क्या था, फैक्ट्स को थोड़ा सा देखिएगा। इनका बोलना ये था कि ये चीज स्टार्ट कैसे हुई कि भाई एक जगह पर जो विक्टिम है और जो है वो एक होटल वगैरह चलाते थे, तो वहां पर जो डिसीज्ड है जिसको गोली मारी गई थी, यहां पर गोली लगी हुई थी, ठीक है ना,
और उनके जो फादर है वो मिलकर चलाते थे यहाँ पर उस होटल को। और इन्हें क्या लगा कि भैया होटल में रेड पड़ी हुई है, तो जबकि वो रेड नहीं थी, वहां पर जिस टाइप का माहौल बनाया गया था वो एक्यूज ही थे, उनके कई सारे दोस्त थे और वो वहां पर आधम के होंगे, ठीक है ना, कुल मिलाकर इस टाइप के वहां पर एक एनवायरमेंट बनाया गया। फर्दर हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद हुआ क्या कि ये जो थे क्या बोलते हैं फादर, इनके घर पर वेट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई जो इनका बेटा है वो काफी टाइम से नहीं आया घर, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट आते थे तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी। जब वो निकले उनको ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ रह गया बंदा, इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि भाई उस जो जो उनका होटल था जहां पर वो काम करते थे उसके ठीक पीछे वाली गली में एक स्ट्रीट पर ये लोग क्या कर रहे थे, तीन चार लोग थे, ये लोग चार एक्यूज थे यहाँ पर, तो उनमें से एक बंदा उसको पकड़े हुए था, मतलब कुल मिलाकर हाथापाई चल रही थी। और इसी बीच में इन्होंने क्या देखा कि भाई एक बंदे ने उसको गोली मार दी, ठीक है ना, तो उनमें से एक एक्यूज ने उस बंदे को गोली मार दी, मतलब जो डिसीज था, मतलब इनका जो बेटा था। तो कंप्लेनेंट कौन है यहाँ पर, फादर है। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि ये और इनका एक और विटनेस जो फ्रेंड वहां पर किस्मत से मौजूद था, वहां पर कोइंसिडेंस था तो वो मौजूद था, उसको उठाकर ये लेकर गए हॉस्पिटल, कंप्लेन वगैरह लिखाई गई, ठीक है ना। तो ट्रायल कोर्ट में इनके अगेंस्ट में इन्होंने बोला कि भैया सेक्शन 302 है, ये मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दूसरी चीज के इन्होंने बोला कि भाई सेक्शन 34 है, मतलब कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि भाई इनका सबकी सोच ये थी कि इसको मारना है, क्लियर। और इन्होंने क्या बोला कि भाई हमने तो ये भी बोलते हुए सुना था कि जो दो अक्यूज और भी खड़े हुए थे वहां पर, A3 A4, जिसमें से एक जसदीप सिंह भी थे, तो इन लोगों ने ये चीज बोली उससे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, देख क्या रहे हो, मारो, मतलब देख क्या रहे हो का मतलब ये होता है ना कि यार जैसे अपन कहीं पर लड़ाई चल रही तो अपन बोलते क्या देख रहे हो यार इसको, मतलब ये इंडिकेशन था, ये वो बताना चाह रहे थे कि यार इन्होंने उकसाया तुमको मारने के लिए कि भाई मारो। तो कुल मिलाकर ये भी सेक्शन 34 के अंडर में ये भी लायबल होंगे, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर जो सेक्शन लगाया था इन्होंने बोला सेक्शन 302 लगेगा, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया तो इन्हें समझ में आया कि भाई सबसे पहली चीज के यहां पर सेक्शन 302 नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि ये मारने की इच्छा से नहीं गए थे, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, सेक्शन 299 के अंडर फॉल करेगा, ठीक है, इसके पनिशमेंट सेक्शन 304 में डिफाइन है। तो इन्होंने बोला कि एज पर सेक्शन 304 चारों जो अक्यूज हैं उनके ऊपर चार्जेस लगाए, सेक्शन 34 सबके ऊपर अप्लाई किया, फर्दर जिन्होंने बंदूक चलाई थी उनके ऊपर फायर आर्म्स एक्ट के अंडर में चार्जेस लगाए गए। तो ये चार्जेस चारों के अगेंस्ट फ्रेम किए गए। हुआ क्या कि भाई जब ये जो चार्जेस फ्रेम कर दिए गए, जब ये पहुंचे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, तो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने डीप एनालिसिस एग्जॉस्टिव असेसमेंट किया हुआ है कि अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है करने की, और ये जो बंदे हैं ये कहीं ना कहीं लाइबल हैं, और ये सेक्शन 304 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि ये इंटेंशन नहीं थी। तो ट्रायल कोर्ट ने ये भी बोला था कि भाई अगर हम यहां पर ये मान ले कि क्या ये लोग सोच के बैठे हुए थे कि हमें से मारना है, ये हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में चीजें हुई हैं कि भाई जब आपकी भसड़ हो जाती है किसी से, बहस होने लगती है, उसके बाद कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि वो नौबत इतनी आ जाती है कि गोली वगैरह चल जाती है, तो ये बस वही था, ये प्री प्लान मर्डर नहीं था, पहले से सोचकर नहीं बैठा हुआ कि वो वहां पर बैठे हुए थे कि भैया विक्टिम आएगा या डिसीज आएगा और उसके ऊपर गोली चला देगी, समझ में आ रही बात। तो यहां पर ट्रायल कोर्ट ने इस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया। फर्दर हाईकोर्ट के पास जब चीज पहुंची चीजें, तो हाईकोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज बोल दी कि नहीं भाई ये लोग सही बोल रहे हैं। तो फर्दर हुआ क्या कि फर्दर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या बोला कि भाई सबसे पहली चीज की सेक्शन 34 जो है ना उसमें कॉमन इंटेंशन की बात ही नहीं आ रही, समझ में आ रही बात, कि सेक्शन 34 है वो कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है, तो यहां पर कॉमन इंटेंशन थोड़ी था, उसको जान से मारने का जो बात कर रहे हो आप वो कॉमन इंटेंशन नहीं था सबका, और जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो ना कि क्या देख रहे हैं, वॉट आर यू सीइंग, ठीक है ना, वॉट आर यू वॉचिंग, तो आप क्या देख रहे हैं, जो एक्यूज नंबर 3 एक्यूज नंबर 4 है जो यहां पर ये बोल रहे हैं कि भैया उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गोली मारी है, तो वहां पर ये जो स्टेटमेंट जिसने सुना था प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 जो उनके फादर थे, उन्होंने इस चीज को पहले इनिशियली अपने उसमें नहीं बोला, बाद में जाकर ये चीज उन्होंने बोली, तो इसको उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था उसको कहीं ना कहीं दोबारा से डेवलप किया था, अमेंड किया था। तो यहां पर इसके ऊपर जो उनकी टेस्टिमनी थी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो रही थी, क्वेश्चनिंग रेज हो रही थी, सस्पिशन आ रहा था उनके ऊपर। फर्दर जो और प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 था जिसने वहां पर चीजें देखी थी वो ऑलरेडी वो क्या हो गया था, हॉस्टाइल हो गया था, और जो विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 था, ठीक है, जिसने ये चीजें बोली थी कि हाँ भाई हमने सुना था, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के मिलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला यहां पर कि भाई जो सेक्शन 34 है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो कैसे अप्लाई होता है, होगा कि नहीं होगा, वो अपन को लास्ट में एक बार देखने को मिलेगा, और जो बंदे हैं जितने भी चारों अक्यूज हैं वो किस किस चार्जेस के अंदर में लायबल होंगे, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को इंटरप्रेट करता है, सपोर्ट करता है या
क्रिटिसाइज करता है वो अभी अपन देखेंगे एंड में, क्लियर है? तो लेट्स जंप ऑन द केस। सेक्शन 34 आईपीसी क्रिएट्स अ डीमिंग फिक्शन बाय इंफ्यूजिंग एंड इंपोर्टिंग अ क्रिमिनल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस कमिटेड बाय वन इन टू अदर्स इन परसुएंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। तो यहां पर सेक्शन 34 की बात की जा रही है, वो एक डीमिंग फिक्शन है, एक फिक्शन की तरह काम करता है बाय इंफ्यूजिंग एंड इंपोर्टिंग अ क्रिमिनल एक्ट। बाय इंफ्यूजिंग, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे बंदे के ऊपर कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट को इंपोर्ट करना और इन्फ्यूज करना। कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस कमिटेड बाय वन इन टू अदर्स, भाई करा कोई एक रहा है और अप्लाई औरों पर भी हो रहा है इन पर्सन ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर उसमें कॉमन इंटेंशन है तो एक चीज आप समझिए कि भाई आपने अगर किसी बंदे को आपने कहीं ना कहीं उन्हें आप उसका पार्ट रहे हैं, पहले भी आपने उन चीजों को क्लियर किया है, मतलब आपने उसका पार्ट बने थे, चाहे भले ही आपने उसको एग्जीक्यूट ना किया हो, लेकिन फिर भी आप उस चीज के लिए लाइबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 34, क्योंकि आप कॉमन इंटेंशन, मतलब जहां पर जो केस है उसकी अगर हम बात करें तो अगर उनका बीच में ये डिसाइड हो गया था कि भाई इनको मारना ही है जान से, तो मारा किसी ने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी चारों की आएगी एज पर सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। समझ में आ रही बात कि भाई कॉमन इंटेंशन अगर है यहां पर किसी भी एक्ट को करने के लिए, तो चाहे आपने वो काम किया हो चाहे ना किया हो, तो भी आप सेक्शन 34 के अंडर में लाइबल हो जाएंगे उस एक्ट के लिए। समझ में आ रही बात। फर्दर, ओनस इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द कॉमन इंटेंशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। तो जो केस लेकर जा रहा है एज पर सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, आप अगर केस को अपने कोर्ट में लेकर जा रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको ये प्रूफ करना है कि इनके बीच में कॉमन इंटेंशन था। समझ में आ रही है बात। तभी जाकर आप दूसरे को फंसा पाओगे, नहीं तो वो बोलेगा भैया इन्होंने मर्डर, गोली इन्होंने चलाई, इनको देखो आप, हमसे क्या मतलब है, हम वहां खड़े थे, समझ अभी थोड़ी हमारा इंटेंशन था। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई कॉमन इंटेंशन था इनके बीच में। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो चीजें नहीं हो पाएंगी। समझ में आ रही बात। द क्वालिटी ऑफ एविडेंस विल हैव टू बी सब्सटेंशियल कॉन्क्रीट एंड डेफिनेट एंड क्लियर। तो यहां पर इनको कोर्ट का बोलना यह है कि कॉमन इंटेंशन को प्रूफ करने के लिए आपके जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है ना, वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उलझा हुआ सस्पिशियस एविडेंस, सस्पिशियस विटनेस हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग द कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। क्लियर हो रही बात। तो व्हेन अ पार्ट ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन टू ब्रिंग द अक्यूज विद इन द फोल्ड ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी इज डिसबिलीव्ड, द रिमेनिंग पार्ट विल हैव टू बी एग्जामिन्ड विद एडिक्वेट केयर एंड कॉशन। ठीक है, तो इनका बोलना यह है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन टू ब्रिंग द अक्यूज्ड विद इन द फोल्ड ऑफ सेक्शन 34 इज डिसबिलीव्ड। ठीक है, तो जब जो पार्ट ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस किया गया या प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसिक्यूशन टू ब्रिंग द अक्यूज्ड विद इन द फोल्ड ऑफ सेक्शन 34 इज डिसबिलीव्ड, द रिमेनिंग पार्ट विल हैव टू बी एग्जामिन्ड एंड एडिक्वेट केयर एंड कॉशन आर एज वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी फास्टन ऑन द अक्यूज्ड बाय ट्रीटिंग हिम एट पर विद द वन हु एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस। इनका बोलना यह है कि जो इनिशियली जो एविडेंस लाया गया है अगर वो डिसबिलीव हो जाता है, उस पर बिलीव नहीं करता है कोर्ट, तो आगे आने वाले जो एविडेंसेस है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा कॉशन से, बहुत ज्यादा केयर से उन चीजों को डील किया जाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर एक वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं। मैंने लास्ट लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी, जो हमने कल केस पढ़े थे वहां पर भी वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट आया था। तो कोई ऐसा अगर हो जिसे नहीं पता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है तो प्लीज मुझे बताइए। मेहुल, आप सेक्शन 34 के, आपने सेक्शन 34 का एक्सप्लेन किया था और प्रेम प्रकाश ने कंटेंशन रेज किया था कि सर मेहुल इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 34। तो अगेन सेक्शन 34 की भी हम बात करेंगे तो सेक्शन 34 में भी वाइकेरियस लायबिलिटी के अंडर में ही काम होता है, क्योंकि एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है उसके लिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ वाइकेरियस लायबिलिटी ही है, क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी इज अ ट्रांसफरेबल लायबिलिटी। तो क्यों फेस इट पर इलियम, फेस इट पर से जो प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि भाई काम कोई और कर रहा है उसके लिए भुगत कोई और रहा है। समझ में आ रही बात। तो अगर आप किसी की अथॉरिटी के अंडर में या किसी के विद इन, अगर हम सीआरबीसी की उसकी बात करें, आईबीसी की, तो कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर आप काम करते हो तो आप भी लायबल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। क्लियर हो रहा है? तो आई थिंक कि वाइकेरियस लायबिलिटी में तो किसी को दिक्कत है नहीं। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर क्योंकि आप एक बंदा काम कर रहा है उसके लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, और प्राइमरी अगर वो चीजें जो एविडेंस लाया गया है वो डिसबिलीव हो जाती है, वो उन पर रिलाई नहीं कर सकता कोर्ट अगर, तो फिर आगे आने वाले एविडेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा केयर और मोस्ट केयर ऑफ कॉशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो रहा है? अंडर सेक्शन 34 द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वॉज एडेड इन टू द स्टैट्यूट बुक सब्सिक्वेंटली। इसी हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 34 जब यस सर आई गॉट कंफ्यूज बट इट्स क्लियर ना, ओके मेहुल, सो सेक्शन 34 के बारे में बात करेंगे। जब इनिशियली 1860 में जब ये एक्ट बनाया गया था
तो वो आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड उस टाइम पर सेक्शन 34 में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वर्ड नहीं जुड़ा हुआ था, समझ में आ रही बात। तो इसको बाद में जोड़ा गया, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई हम देखते हैं। एंड द सेक्शन 34 द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वॉज एडेड इन द स्टैट्यूट बुक सब्सिक्वेंटली, इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय द चीफ जस्टिस बॉन्स पीकॉक प्रिसाइडिंग ओवर अ बेंच ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट वाई डिलीवरिंग इज डिसीजन इन क्वीन वर्सेस गोरा चंद गोपे इन 1866। तो 1866 का सुप्रीम कोर्ट का केस है जहां पर ओके नहीं ये सॉरी कैलकाटा हाईकोर्ट का केस है ये, तो जहां पर जो चीफ जस्टिस बांस पीकॉक जब कैलकाटा हाईकोर्ट में ये डिसीजन दे रहे थे किस केस में, क्वीन वर्सेस गोराचंद में, विच वुड हैव प्रोबेबली इंस्पायर्ड एंड हेस्टेंड द अमेंडमेंट टू सेक्शन 34 आईपीसी मेड इन 1870। तो उस टाइम पर उन्हें ये महसूस हुआ कि भैया ये जो इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन है ना, ये सेक्शन 34 में ऐड किया जाना चाहिए, और यही वो केस था जिस जो रीजन बना बाद में जो अमेंडमेंट हुआ 1870 में आईपीसी के अंडर में, वहां पर सेक्शन 34 में इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन जो वर्ड है वो जोड़ दिया गया। क्लियर हो रहा है? लेट्स मूव फर्दर। वीरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहां पर वीरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का भी केस को रेफर किया गया। इस केस में क्या बोला गया है दैट ऑर्डिनरीली अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट, कि नॉर्मल केसेस में होता क्या है कि एक बंदा जो है वो अपने ही एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं पढ़ी थी, जब तक हम नेग्लिजेंस न्यूसेंस नॉर्मल चीज पढ़ रहे थे टॉट में, तब तक हमें लग रहा था कि भाई अगर आप कोई नेग्लिजेंट एक्ट करते हो आप रिस्पॉन्सिबल हो, किसी को डिफेम करते हो आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, किसी के घर के बाहर आप जाके पटाखे फोड़ते हो बुलेट से तो आप रिस्पॉन्सिबल हो न्यूसेंस के अंडर में। क्लियर हो रहा है? किसी घर के कचरा डाल रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो कहीं ना कहीं ये जो किसी घर में घुसते हो बिना उसकी परमिशन से तो आप रिस्पॉन्सिबल, जितनी भी चीजें ये आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। लेकिन जब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं या हम सेक्शन 34 देखते हैं, तो अब आगे देखते हैं, अ पर्सन कैन ऑल्सो बी वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर इफ ही हैड द कॉमन इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। अगर कॉमन इंटेंशन है तो भी दूसरा बंदा वाइकेरियसली लाइबल हो सकता है, मतलब दूसरे के एक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। ये वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये चीजें बोली गई थी, ठीक है, 2010 का ये केस है। फर्दर हुआ क्या, द वर्ड कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज प्लान, जो वर्ड है कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज प्लान एंड एक्टिंग इन कॉन्सर्ट परसुएंट टू द प्लान। तो इनका बोलना यह है कि जो वर्ड है कॉमन इंटेंशन, ये कहीं ना कहीं इंप्लाई करता है कि ये जो प्लान है ना वो प्री अरेंज है, पहले से आप सोच कर आए कि हाँ भाई ये करना है, तब ये चीजें बोलती है कॉमन इंटेंशन जो वर्ड है ना, कि हाँ भाई आप उन्हें मारने ही आए थे या यही करने आए थे, जो एक्ट किया गया है ये सबने सोचा था कि भाई वहां चलेंगे मैं पकड़ लूंगा और मैं काम करूंगा, देखे रहूंगा कोई आता नहीं तुम गोली मार देना, समझ में आ रहा है? तो जितने भी लोग हैं वो सारे ही बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे मर्डर के लिए। क्लियर हो रहा है? तो ये वर्ड जो यूज हुआ है कॉमन इंटेंशन, यहां पर इनका बोलना ये है कि ये आप पहले से सोच के आए होते हो एंड एक्टिंग इन कॉन्सर्ट परसुएंट टू द प्लान, तो जो प्लान आपने सोचा होता है बनाया होता है उसी को आप एग्जीक्यूट करते हैं फर्दर, ठीक है ना। इट मस्ट बी प्रूव दैट द क्रिमिनल एक्ट वॉज डन इन कॉन्सर्ट परसुएंट टू द प्री अरेंज प्लान। तो यहां पर ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है अगर आपको सेक्शन 34 के अंदर चीजों को ले जाना है कि भाई ये पहले से प्लान बनाया गया था और उसी को एग्जीक्यूट किया गया है, तो ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है अगर आपको सेक्शन 34 के अंदर चीजों को एस्टेब्लिश करना है। तो कॉमन इंटेंशन कम्स इनटू फोर्स प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम विच नीड नॉट बी अ लॉन्ग गैप। तो इनका बोलना यह है कि जो कॉमन इंटेंशन है कम्स इनटू फोर्स प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट, और हमेशा एक्ट कमिट होने से पहले ही कॉमन इंटेंशन जो है वो फोर्स में आनी चाहिए, मतलब हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है घर से करके आए, हो सकता है कि आप रस्ते में आपने चीजें डिसाइड की, या हो सकता है इस पॉइंट पर भी हम ये चीजों को क्या देख सकते हैं कि जब ये इस सिचुएशन में देखें कि भाई ये लोग जो चार लोग हैं जिसमें से एक बंदे के पास वेपन है वो खड़ा हुआ है और वो गोली मारने को तैयार है, और अगर उस टाइम पर भी आप चारों लोग मिलकर बोलते हैं हाँ मारो गोली यार और खत्म करो निपटाओ इसको, तो आपकी चारों की कॉमन इंटेंशन है, आप चाहते हैं कि भाई इसको गोली मारी जाए उसको जान से मार दिया जाए, समझ में आया, तो भी वो कॉमन इंटेंशन एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप घर से सोच के आए हो या आपने रहते हैं पहले से डिसाइड कर लिया हो, क्लियर है? बस एक्ट कमिट होने से पहले वहां पर कॉमन इंटेंशन अगर आ जाती है किसी भी एक्ट को करने की, तो वो सेक्शन 34 के अंडर में जो वो है वो केस एस्टेब्लिश हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो लेट्स जंप ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ये ब्रीफिंग थी केस की। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मेरे से पूछे, मैं बैठा हुआ हूं आपके आपको आंसर करने के लिए, ठीक है ना। सो फर्दर फैक्ट्स ऑफ द केस, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अभी आपको ये चीजें लग रही होंगी कि यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट मुझे समझ नहीं आ रहा है या इस टाइप का चीजें चल रही है। देखो बेटा,
हमें चीजें आपसे ज्यादा पता हैं, इसलिए थोड़ा सा फेथ रखिए हमारे ऊपर, थोड़ा ट्रस्ट बना कर रखिए और चीज केसेस को पढ़िए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के जो केसेस हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं रिसेंटली। और जो रिसेंट केसेस हैं, ये 2022 का केस है, ये देखो बहुत हाई चांसेस है। हम एक अजम्पशन ड्रॉ करते हैं, और लास्ट टाइम भी हमने अजम्पशन ड्रॉ किया था कि एविडेंस एक्ट आएगा, और एविडेंस एक्ट आया। समझ में आया? 10 क्वेश्चन थे एविडेंस एक्ट के, बाकी लोग क्या बोल, बाकी चीजें क्या चल रही थी, यार एविडेंस एक्ट क्या अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या क्यों ही हम एविडेंस एक्ट के प्रोविजन पढ़ रहे हैं। लेकिन तब भी हम एविडेंस एक्ट के प्रोविजन पढ़ाते थे, और मैंने डायरेक्टली प्रोविजन जो डिस्कस किए थे वही प्रोविजन आपके डायरेक्टली पेपर में फंसे। तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि बेटा अगर चीजें हम खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर पाते ना, तो चीजें आज कुछ और होती। हम एक अजम्पशन पे, एक बहुत अच्छे अजम्पशन पर चीजों को डिसाइड करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जिन बच्चों को ये लगता है ना यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। बाकी जो आपके रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को, कितने आप चीजों को लेके सीरियस हैं। और अगर हम दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे ना जस्ट बिकॉज अजम्पशन के तौर पर, तो कुछ घाटा नहीं होता है हमारा, ठीक है ना? तो एक जो अजम्पशन है उसको आप बांध के चलिए, और जो हम जो चीजें बता रहे हैं थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, चीजें अच्छी होंगी। सो लेट्स जंप ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। और मैं काफी रेगुलर कुछ क्लासेस से ये चीजें देख रहा हूँ कि बच्चे एंड तक नहीं रहते हैं क्लास में, ठीक है ना? उनको ये लगता है कि हाँ उन्होंने अब सब चीजें समझ ली, बस उनके लिए सफिशियंट हो गया। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और हमारे चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है बेटा, कहीं ना कहीं आप मैच नहीं कर पा रहे हैं या हम आपको मैच नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है ना? सो फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, द अकरेंस टुक प्लेस एट अबाउट 12:45 AM, लगभग सुबह 1:15 बजे की बात है। तो ये जो इंसिडेंट है वो लगभग 1:15 बजे हुआ, लगभग 21 तारीख 21st of March 2011 में। सो इंडिया इन द एरिया ऑफ द बाबा रसोई ढाबा जलंधर, तो बाबा रसोई ढाबा जलंधर में ये इंसिडेंट हुआ है। द मोटिव ऑफ द अकरेंस वॉज दैट द डिसीज फेल्ट दैट अ रेड कंडक्टेड इन द होटल बिलोंगिंग टू हिम एंड हिज फादर, द एप्लीकेंट इन CRL A नंबर 1586 ऑफ 2021 वॉज डन एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज, ऑल द एक्यूज वर आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर। तो इनका बोलना ये, इनका सोचना ये था कि जो मोटिव ऑफ द अकरेंस वॉज दैट, इसके पीछे का रीजनिंग ये थी कि भैया इनको ऐसा लग रहा था कि भाई एक रेड कंडक्ट कराई गई है, ठीक है, डिसीज ने ये फील किया कि एक रेड कंडक्ट हुई है इन द होटल बिलोंगिंग टू हिम एंड हिज फादर। तो जो बाबा रसोई ढाबा है वो विक्टिम्स को बिलोंग करता था, एंड द अपीलेंट वॉज डन एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज, ठीक है ना? तो जो यहां पर जो अपीलेंट है वॉज डन, जो जो चीजें की गई हैं यहां पर, जो रेड की बात की गई है वो किसने किसने एक्यूज ने करवाई है, और ऑल द एक्यूज आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, सब एक दूसरे के दोस्त थे, ठीक है। अब ये जो लाइन थी ये फैक्ट्स की बेसिकली कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो रही है बहुत ज्यादा। हमें एक चीज याद रखनी है कि भाई एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर बाबा रसोई ढाबे के पास जलंधर में, ठीक है, लगभग रात में 1:15 बजे की बात है ये, ठीक है। तो हुआ क्या कि वहां पर तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 जो कि उनके फादर है, यहां पर लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहां पर कई सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं। सो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 वेंट इन सर्च ऑफ द डिसीज ऑन फाइंडिंग दैट ही हैड नॉट रिटर्न्ड होम दो ही वाज इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट। तो भाई वो उनको ढूंढने जाता है कि यार उनको ऐसा लग रहा था कि भाई रेट हुई है या इस टाइप की चीजें हैं जो पहले पन्ने ये चीजें देखी, तो इनको लगा कि भैया उनका वो लड़का उनका अभी तक रात में लगभग 12:30 हो गया है, वो तो अभी तक लौटा नहीं घर, तो क्या हो गया ऐसा, ठीक है ना? तो उनके जो फादर है वो उनको ढूंढने निकलते हैं, क्लियर हो रहा है, जबकि उन्हें ये चीज पता थी कि दो ही वॉज इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट, कि वो लगभग लेट आता था घर, ठीक है ना? ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रीट, एक सड़क की बात है, ही सॉ द एक्यूज ग्रैपलिंग विद द डिसीज, जो अक्यूज है उनकी झगड़ा चल रहा है किसके साथ, डिसीज के साथ, उनके बेटे के साथ। इट वॉज सीन बाई हिम इन द स्ट्रीट लाइट, और उन्होंने स्ट्रीट लाइट में देखा कि द अकरेंस वॉज ऑल्सो विटनेस बाई प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 हु इंसिडेंटली वॉज अ फ्रेंड ऑफ द डिसीज, ठीक है। तो इस इंसिडेंट को प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 जो फादर है उन्होंने देखा, और एक फ्रेंड ने देखा जो बाद में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 बना, ठीक है ना, उसने भी इस इंसिडेंट को देखा जो कि डिसीज का फ्रेंड था, ठीक है ना, उस बंदे का फ्रेंड था। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 स्पोक अबाउट द कॉमन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज ऑन द प्रीवियस नाइट टू डू विद द डिसीज। तो इनका बोलना यह था कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 है जो लेकर आए थे, उसने क्या बताया कि भाई इन लोगों के बीच में कॉमन इंटेंशन चल रहा था, और एक रात पहले इन्होंने इस चीज के बारे में बोला था कि भैया डिसीज के साथ ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। आगे जाके ये चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, तो एक बार बस हल्का फुल्का याद रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर जो 13 है वो कहीं ना कहीं इन्होंने बात किया है कॉमन इंटेंशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन 34 को स्लबिश करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक केवल लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। फर्दर हुआ क्या, इन परसुएंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय जसदीप सिंह, तो जसदीप सिंह जो अभी बात की जा रही है इस केस में,
जो है एक्यूज नंबर थ्री थर्ड है, तो यहां पर चार एक्यूज है बेसिकली, जसदीप सिंह, अमरप्रीत सिंह, राम सिमरन सिंह सिंह और अमरदीप सिंह सचदेवा। ठीक है, तो कौन कौन है? जसदीप, अमरप्रीत, अमरदीप और राम सिमरन। ठीक है, तो यहां पर जो चार लोग हैं, तो इनका बोलना यह क्या है कि इन परस्यूंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय जसदीप सिंह एंड अमरप्रीत सिंह नरूला, कि इन्होंने क्या बोला, व्हाट आर यू सीइंग नाउ, अब तुम क्या देख क्या रहे हो, अब क्या देख रहे हो, समझ में आ रहा है? मतलब कुल मिलाकर इनका इंडिकेशन ये था इस स्टेटमेंट का, क्या भाई गोली चलाइए। ठीक है, तो राम सिमरन जो मक्कर हैं, जिन्होंने गोली चलाई, उन्होंने बंदूक अपने पॉकेट से निकाली और शूट द डिसीज, देखो भाई बंदूक बंदे को गोली मार दी, जो डिसीज था उसको गोली मार दी, समझ में आ रही बात? इनका बोलना ये था कि भाई A3 और A4 के कहने पर ऐसा किया गया, मतलब इनकी कॉमन इंटेंशन थी यहां पर, समझ में आ रही बात? तो ये चीज प्रूफ करने की बात की जा रही थी। फर्दर अमरदीप सिंह जो कि एक्यूज नंबर टू थे, टुक हिज गन एंड ब्रांडाइज इन इट अगेंस्ट द डिसीज प्रायर टू द फोर्सेस स्टेटमेंट मेड बाय द A3 एंड A4। ठीक है, तो इनका बोलना यहां पर यह भी था कि जो A2 था, मतलब गोली मारी A1 ने, और A2 के पास भी गन थी, वो ऑलरेडी अपनी गन जो है वो लहरा रहा था, दिखा रहा था। ठीक है, गोली चलने से पहले जो कि A1 ने गोली चलाई थी, राम सिमरन सिंह ने गोली चलाई थी, उससे पहले अमरदीप सिंह जो थे वो ऑलरेडी अपनी बंदूक को लहरा रहे थे। अब समझ में आ रही बात? तो ये चीजें कोर्ट में बताई गई। फर्दर A3 एंड A4 मेड द स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू A1, दो A2 वॉज ऑलरेडी हैविंग द गन आउट, इट इज ओनली देयर आफ्टर दैट A1 टुक आउट हिज गन एंड शॉट द डिसीज। तो यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ध्यान देने वाली है कि एक चीज समझिएगा कि एक बंदा है जो ऑलरेडी बंदूक लहरा रहा है, जो बंदूक बाहर निकाल के रखा हुआ है और वो गोली चला सकता है। ठीक है, आपने उससे नहीं बोला, मतलब जो जसदीप सिंह और अमरप्रीत सिंह है, इन्होंने A1 से बोला, मतलब ये राम सिमरन से बोल रहे हैं कि यार क्या देख रहे हो, गोली मार दो, समझ में आ रही बात? कि तुम देख क्या रहे हो, तो इनसे क्यों बोलेगा भाई, जो ऑलरेडी बंदा बंदूक लहरा रहा है तो वो उससे गोली चलाने के लिए नहीं बोलेगा बंदा। एक कॉमन एज पर रीजनेबल मैन कंसेप्ट, जो ऑलरेडी बंदूक बाहर लेकर घूम रहा है, जो शो कर रहा है, जो हवा में लहरा रहा है, वो गोली नहीं चलाएगा। आपने एक पर्टिकुलर बंदे से क्यों बोला कि भाई तुम क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, अगर उनकी कॉमन इंटेंशन ही है गोली चलवाना, समझ में आ रही बात? तो ये चीज आगे जाके डिस्कस होगी, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। फर्दर हुआ क्या कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10, तो जो उनका दोस्त था, उनके जो फादर थे, उस डिसीज को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जो कि लगभग 3 किलोमीटर दूर था, ठीक है ना, और उनको उठाकर जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पर वो कुल मिलाकर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, तो देयर आफ्टर प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 गेव द कंप्लेन अंडर एग्जिबिट PL। तो यहां पर उसके बाद जाकर जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट कौन, इनके फादर है, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6, इन्होंने जाकर पुलिस को स्टेटमेंट दिया, क्लियर है? सो इन द कंप्लेन इन्होंने क्या पुलिस में इन्होंने क्या बोला कि ही डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट दैट A3 एंड A4 एग्जॉर्टेड A1 टू शूट। अब इन्होंने जो पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने FIR में ये चीजें लिखी ही नहीं है, बोली ही नहीं है फादर ने, कि भाई जो चीज यहां पर फैक्ट्स में ये बाद में बताएंगे, इन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई A3 और A4 ने बोला था जसदीप सिंह ने और अमरप्रीत सिंह ने के उससे कि भैया तो अब तुम देख क्या रहो, गोली चलाओ, ये स्टेटमेंट इन्होंने नहीं बोला, कि मतलब इन दो लोगों ने उकसाया था उसे गोली चलाने के लिए, समझ में आ रही बात? या इनके कहने पर उसने गोली चलाई थी, ये स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस को नहीं दिया। ठीक है, एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एज रिफर्ड अर्लियर, बाकी सारी चीजें जो थी वो इन्होंने सारी ही बताई थी। हाउएवर इन हिज एडिशनल स्टेटमेंट गिवन अंडर सेक्शन 161 ऑफ द CRPC, जो सेक्शन 161 CRPC के अंडर में जो एडिशनल स्टेटमेंट दिया गया पुलिस को, उसमें इन्होंने ये चीजें बोली, ही इंप्रूव्ड हिज विजन वर्जन बाय स्टेटिंग दैट A3 एंड A4 इंस्टिगेटेड A1 टू फायर। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने A3 और A4 ने एक्यूज नंबर 3 और एक्यूज नंबर 4 जो है जसदीप सिंह और अमरप्रीत सिंह, इन्होंने इंस्टिगेट किया था राम सिमरन को कि भैया आप गोली चलाइए। ये बाद में इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया किसको, पुलिस को 161 के अंडर में। तो आर यू गाइज अवेयर ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 ऑफ द CRPC? अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे आप बताइए, क्लियर है? अगर आपको पता है तो हम हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं कि सेक्शन 161 क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता दूं, जब तक आप टाइप करिए जब तक मैं आपको डिस्कस करता हूं कि सेक्शन 161 है क्या बेसिकली, कि 160 के अंडर में नोटिस सर्व किया जाता है कि भाई जो भी विटनेसेस हैं या जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है पुलिस को, कि भाई उनको आप थाने बुलाएंगे, पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, 161 में आप उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, उसकी ऑल दो कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि फाइनली आके आपको 164 में मजिस्ट्रेट के सामने उनको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, समझ में आ रही बात? तो ये है कि ये कहीं ना कहीं कोरोबोरेशन में काम आते हैं केस के। फर्दर हुआ क्या, तो ये था सेक्शन 161। यस सर, निहारिका सिंह, नॉट वेल सर, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सेक्शन 161 बेसिकली बेटा पुलिस जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि बोला जाता है जब कोई इंसिडेंट होता है, जब कोई क्राइम होता है, तो होता क्या है कि जो लोग संदिग्ध होते हैं उनको पुलिस बुलाती है कि भाई थाने आ जाना, तुम्हारा बयान लेना है। तो जो बयान दर्ज होता है ना, जो पुलिस बयान दर्ज करती है,
विटनेसेस के या जो संदिग्ध होते हैं उनके या जो बंदे इन्वॉल्व हैं वो सारे 161 के अंदर में रिकॉर्ड करती है सीआरपीसी, ठीक है ना। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 161 है, उसमें पुलिस के पास ये पावर है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, ऑल्दो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है वो 164 के अंडर में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। समझ में आ रही है बात? सो यहां पर हुआ क्या कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 24 टू कब द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन किसने करी यहां पर? प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 24 जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे ऑब्वियसली, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और कंप्लीट किए फॉर्मेलिटीज को, ठीक है। रिकवरीज हैव बीन मेड इंक्लूडिंग ऑफ द वेपन, तो भाई वेपन भी इनको मिल गया, जो जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी, बंदूक से गोली चलाई गई थी, वो भी रिकवरी हो गई। तो ट्रायल कोर्ट अपॉन हियरिंग द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पार्टीज अ कन्विक्शन हैज बीन रेंडर्ड अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 पार्ट 1 आईपीसी अलॉन्ग विद द लाइफ सेंटेंस। तो भैया सेक्शन 304 पार्ट 1 के अंदर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के अंडर में इनको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए इनको चार्ज किया गया और इसके लिए इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। समझ में आ रहा है? लाइफ सेंटेंस दिया गया सारे अक्यूज को, ठीक है ना। फर्दर हुआ क्या? कंचा कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आकांक्षा इज क्लियरली स्टेटिंग एडमिशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ रही बात? और सेक्शन 161 जो आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन में काम आती है, जो कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बात कर रहा है कि सेक्शन 27 एविडेंस क्या बोल रहा है एविडेंस एक्ट का, कि अगर कोई भी स्टेटमेंट हम पुलिस को देते हैं उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस स्टेटमेंट से अगर किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी होती है तो वो चीजें एडमिसिबल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए कि ए ने बी को पकड़ लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है क्योंकि इनसे पूछताछ चल रही है, और ये क्या बोलते हैं कि मान लीजिए ए है जो पुलिस ऑफिसर है, बी जो है वो अक्यूज है यहां पर, और बी इनको बोल रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया, तो क्या इसके बेसिस पर उनको पनिशमेंट दी जाएगी? क्या लगता है आपको? अगर पुलिस को वो ये चीज बोल देता है अक्यूज कि हाँ मैंने मर्डर किया था, तो क्या ये वो बंदा लाइबल हो जाएगा या जो कोर्ट है उसको मान लेगी? नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये जाकर मजिस्ट्रेट के सामने ये चीजें नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने मर्डर किया, तब तक नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज कि जब तक बी मान लीजिए बी से पूछा गया कि अच्छा तुमने मर्डर किया है, तुमने बोल दिया वेपन कहाँ है, अब कर क्या रहे थे वहां पे, अब उसने वो चीजें बताई कि हाँ मैं पहले मैं इस दुकान पर गया, मैंने यहां से वेपन खरीदा, उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, उसको मैंने अपने साथ में लिया, मैंने उसकी मोटरसाइकिल ली, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने देखा कि भाई वहां पर सीसीटीवी कैमरा है, मैंने उसको तोड़ा, फिर मैं घर में घुसा, मैंने मर्डर किया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो एविडेंसेस मिल रहे हैं इनको, इसको प्रूफ किया जा सकता है। अगर वेपन उससे पूछे बेका वेपन कहां है, बोले सर उसके उनके घर के पीछे तालाब है, वहां फेंक दिया था। वहां पर जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन किया, वो वहां पर जाकर क्लियरली देखा गया, तो वहां से पता चला भैया रिकवरी हो गई वेपन की। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें एडमिसिबल होंगी कोर्ट ऑफ लॉ में। आप ये नहीं बोल सकते कि पुलिस को दिया गया था बयान, लेकिन अगर कोई फैक्ट की डिस्कवरी होती है, कोई नई चीज निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज एडमिसिबल होती है इस पर सेक्शन 27। जब आप 2020 का जो पेपर था, जो 2021 में लिया गया था 20th of March को, 2021 में जो MPCJ का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउटफुल हो गया था और कई सारे बच्चों ने इसमें जो क्या बोलते हैं क्वेश्चनिंग भी रेस की थी कि कैसे जो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेक्शन 27 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो जो है वो किसका एक्सेप्शन है, मतलब उसके एक्सेप्शन कौन कौन से, सेक्शन 24 है, 25 है, 26 है, ठीक है ना, या तीनों है। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्शन 27 का एक्सेप्शन कौन है, ठीक है ना, या सेक्शन 27 किसका एक्सेप्शन है, सॉरी। तो सबसे पहली चीज के इन्होंने आंसर जो लगाया था वो फाइनली इन्होंने आंसर दे दिया था सेक्शन 24, 25, 26 है। मुझे स्टिल अभी तक समझ में नहीं आया कि कैसे सेक्शन 27 जो है वो एक्सेप्शन हो सकता है 24, 25, 26 का। समझ में आ रही बात? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि कन्फेशन सेक्शन 24 में सीधा सीधा लिखा हुआ है, इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस से दिया गया बयान कन्फेशन नहीं होता, बस इतनी सी तो बात बोली जाती है सेक्शन 24 में। यार 25 में पुलिस को दिया हुआ गया बयान नहीं माना जाता, समझ में आता है। 26 के बोल रहा है कि भैया पुलिस की कस्टडी में आप मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी बयान देते हो तो नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? उस समय आप मजिस्ट्रेट को देते हो बयान तो माना जाएगा, तो एडमिसिबल होगा। तो कैसे सेक्शन 27 एक्सेप्शन बन जाएगा, मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई। अगर आपको आ जाए तो मुझे समझा जरूर देना यार, ठीक है ना। तो मुझे कभी ये इशू नहीं रहा है कि नहीं बच्चे स्टूडेंट जो है वो नहीं सिखा सकते, बिल्कुल। कई बार स्टूडेंट्स वो चीजें बता देते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम
पढ़ा रहे हैं आपको, हम उतना ही चीजें देखते हैं कई बार जितनी हमें जरूरत होती है। बच्चे बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों का जो माइंड होता है ना, बहुत ज्यादा ओपन होता है चीजों को लेकर, उन्हें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो वो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ओके, आकांक्षा, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट डिस्कवरी 25 का हो सकता है। हाँ यही चीज है, उसमें ऑप्शंस आए थे। तो सेक्शन 25 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सेक्शन 24, 25, 26 तीनों कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ से परे था। तो वहां पर एडमिशन कन्फेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली, एडमिशन कन्फेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि एडमिशन और कन्फेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही बात। तो जब एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17 आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको एडमिशन जो है वो डिफाइन हो जाएगा कि एडमिशन क्या होता है। समझ में आ रही बात। तो मोस्टली सिविल केसेस में जब हम बात करते हैं तो वहां एडमिशन होता है, कन्फेशन ऑलवेज रिलेटेड टू द क्रिमिनल केस। समझ में आ रही बात। तो यहां पर कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड होता है और एडमिशन कहीं ना कहीं सिविल केसेस, सिविल केस का एडमिशन है रिलेशन है और क्रिमिनल केस का कन्फेशन रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम इन तरह डीप में नहीं जाते हैं, वापस आते हैं केस पर, ठीक है ना। एविडेंस में नहीं घुसना है क्योंकि एविडेंस एक्ट मुझे इन पर्सन बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं जब एविडेंस में घुसना शुरू करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, तो उसकी जरूरत नहीं है। अभी यहां पर जितनी जरूरत थी अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फर्दर हुआ क्या कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने क्या बोला कि रीजन दैट इट इज नॉट एज इफ द एक्यूज वर वेटिंग फॉर द डिसीजन, डिसीज वेंट नियर टू द एक्यूज। तो इन्होंने बोला कि भाई यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं दिख रहा है कि जो एक्यूज है वो वेट कर रहे थे डिसीज का। समझ में आ रही बात। क्योंकि मर्डर तभी लगाया जा सकता है जब आप ये चीजें प्रूव कर पाए कि जो भाई डिसीज है वो वेट कर रहे थे, वो पहले से सोच कर बैठे हुए थे कि हमें इनको मारना है, तब जाकर चीजें अलग होती। एंड डिसीज वेंट नियर टू द एक्यूज, और जो डिसीज है वो पास में चला गया डिसीज उसके एक्यूज के, तो भाई ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। एज कुड बी सीन फ्रॉम एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 10 था, जो वहां पर जो उनका फ्रेंड खड़ा हुआ था, उसके टेस्टिमनी को देखते हुए ये चीज समझ में आ रही थी कि भाई ऐसा कुछ भी था नहीं। समझ में आ रही। देयर वाज ओनली सिंगल शॉट, केवल एक ही गोली मारी गई थी, ठीक है। अगर कोई खुन्नस होती है वो चाहती कि इनको जान से मारना ही मारना है हमें, तो यार एक गोली से तो काम नहीं होता है ना। जैसे कि हम बात करें सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में, तो सिद्धू मूसेवाला को कितनी गोलियां मारी गई थी, क्यों? क्योंकि वो उनकी डेथ कंफर्म चाहते थे, अंधाधुंध फायरिंग की गई क्योंकि वो उनको जान से मारना चाहते थे। समझ में आ रहा है। अगर हीट ऑफ द मोमेंट की बात होती है कि भाई सिद्धू मूसेवाला ने गाड़ी से कट मार दिया, तो कई बार ऐसा होता है ना, और यूपी में तो बहुत कॉमन है ये चीजें, क्या गाड़ी वाला अगर कट मार दे तो आगे जाकर लोग लगा लेते हैं, बाइक लगा देंगे, बाइक वाले भी काफी जलवे में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाइक लगा लेंगे आगे के, तो रोक भाई तू कैसे चला रहा गाड़ी, तो इस टाइप की चीजें हो जाती है। तो ये इंसिडेंट नहीं था, उन्हें सिद्धू मूसेवाला को जान से मारना ही था। वहां पर जो इंसिडेंट हुआ था उससे एक चीजें इंटरप्रिटेशन बाहर आ रही थी, वो चीज है। तो यहां पर एक गोली मारी गई है, तो यहां पर उनका बोलना यह है कि हीट ऑफ द मोमेंट हो सकता है, उनका इंटेंशन उसको जान से मारना नहीं था, ठीक है ना। दो द डिसीज फेल डाउन एंड द एक्यूज डिड नॉट शूट हिम आफ्टर दैट। भाई एक गोली के बाद वो बंदा गिर पड़ा डिसीज, और उसके बाद उस पर गोली नहीं चलाई गई। देयर वाज इंडीड अ क्वारल प्रोसीडिंग द अकरेंस, इट वुड बी इम्प्रोबेबल दैट द एक्यूज वुड मेक अ प्लान टू कमिट अ मर्डर इन पब्लिक बाय एड्रेसिंग देमसेल्फ बाय नेम बाय फाइल फ्लॉन्टिंग देयर वेपन। तो इनका बोलना ये था कि भाई इन चीजों को देखते हुए ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो एक्यूज है उन्होंने पहले से प्लान बनाकर आए थे कि भाई बंदे को पब्लिक में मारना है, गोली मारनी है, और उसके पहले वो हथियार भी लहरा रहे थे। समझ में आ रही बात। तो उनका बोलना ये है कि भाई मर्डर करने वाले आते हैं, भाई मर्डर करके चुपचाप निकल जाते हैं। समझ में आ रही बात। और इतनी गोली मारते हैं कि मेक श्योर हो जाए कि भैया के बंदा बचना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात। ओके जय, इट 32 राउंड। तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 32 राउंड गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। तो क्वाइट स्ट्रेंज। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो उनके फैन थे, उनके रैप के फैन थे, ठीक है, लेकिन जो चीजें हुई हैं वो गलत थी। और मुझे नहीं पता कि वो किन चीजों में इन्वॉल्व थे, अगर थे या नहीं थे, तो इस चीज को डिसाइड करना किसी इंडिविजुअल की अथॉरिटी में नहीं आता है। कोई भी बना रहे, मैं तो सीधी बात जानता हूं, अगर आप इस टाइप के एक्ट करते हैं, आप किसी को गोली मार देते हैं, चाहे वो कितना ही बंदा, मैं बोल रहा हूं कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, कुछ भी चल रहा हो, कोर्ट यहां पर बैठा हुआ है, आप जाइए वहां पर जाकर प्रूव करिए चीजें, तब जाकर चीजें करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप ये चीजें करते हो, फिर आप ये रीजनिंग देते हैं कि अरे वो तो ऐसे थे, वो वैसे थे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है बेसिकली इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये चीजें कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं थी, तो जो कि सीधी सी बात है, क्लियर है। तो लेट्स गो बैक टू अवर केस। तो यहां पर हुआ क्या है कि ठीक है, तो अकॉर्डिंगली होल्डिंग दैट देर वॉज नो प्रीमेडिटेशन, ठीक है,
प्री मेडिटेशन कि भाई पहले से कुछ चीज डिसाइड नहीं की गई थी, यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है फैक्ट्स क्या बोल रहे थे. एंड द अकेरेंस टू प्लेस इन परसुएंस टू अ सडन फाइट इन अ हीट ऑफ पैशन. द केस वॉज ब्रॉट अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 300. तो सेक्शन 300 जो मर्डर के बारे में बात करता है उसके एक्सेप्शन 4 के अंडर फॉल कर रहा है कि भाई ये हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, सडन फाइट थी तो ये पहले से सोचा नहीं गया था. ठीक है, तो ये मर्डर तो हुआ है लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि भाई वो मारना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो फाइनली डेथ उनकी हो गई. समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या कि ये चीज किसने बोली? ट्रायल कोर्ट ने बोली. तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पर ये रीजनिंग दी कि भैया यहां पर हीट ऑफ द मोमेंट वाली बात चल रही है और यहां पर कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा है कि मर्डर है. समझ में आ रही बात? तो अपील वर फाइल्ड बाय ऑल द पार्टीज, हाई कोर्ट कंकर्ड विद दैट व्यू ऑफ ट्रायल कोर्ट. हाउएवर इट डिड नॉट स्पेसिफिकली डील विद द स्कोप ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी एज अगेंस्ट A3 एंड A4 व्हिच वाज अकॉर्डिंगली डन बाय द ट्रायल कोर्ट. ट्रायल कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली चीजें बात करी थी कि भाई सेक्शन 34 के अंदर हमें A3 और A4 का क्या हिसाब किताब था. तो हाईकोर्ट ने इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया. अकॉर्डिंगली डन बाय द ट्रायल कोर्ट, वी मे ऑल्सो नोट दैट द ट्रायल कोर्ट डिड एन इन डेप्थ एग्जॉस्टिव असेसमेंट बाय कंसिडरिंग ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल प्लेस बिफोर इट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस. तो जो विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिए थे उनको कंसिडर करते हुए बहुत एग्जॉस्टिव असेसमेंट किया सुप्रीम, ये हाईकोर्ट ये चीज बोल रहा है. ठीक है, और उसके बाद उन चीजों को बहुत इन डेप्थ जो है एनालिसिस किया था. तो इन्होंने ज्यादा चीजों को इंटरफेयर नहीं करते, हाईकोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसको ही उन्होंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया. एग्रीड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, A3 एंड A4 फाइल्ड एन अपील. तो यहां पर केवल A3 और A4 ने अपील फाइल करी. A3 A4 समझिएगा कौन कौन है, अमरप्रीत सिंह और जसदीप सिंह, जिन्होंने गोली नहीं चलाई थी. समझ में आ रहा है? गोली किसने चलाई थी? गोली चलाई थी A1 ने, राम सिमरन सिंह ने. ठीक है, और जो अमरदीप सिंह थे, जो एक और थे A2 थे, एक्यूज नंबर टू थे, वो बंदूक जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे थे, वो घुमा रहे थे, दिखा रहे थे. ठीक है, ब्रेंडाइज कर रहे थे कहीं ना कहीं. तो गोली किसने चलाई थी? एक अक्यूज ने चलाई क्योंकि सिंगल शॉट फायर हुआ है. ठीक है, तो लेकिन फायर आर्म्स का एक्ट उनके ऊपर भी लगाया जाएगा, भैया बंदूक आप जो लहरा रहे थे ये चीजें. तो अपील केवल दो लोगों ने फाइल किए जिनके ऊपर सेक्शन 34 के अंडर में उनको लायबल ठहरा दिया गया था कि भाई कॉमन इंटेंशन थी तो तुम लोग भी सेक्शन 304 पार्ट 1 के अंडर में लायबल हो जाओगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए. ठीक है, ओके प्रियांशु, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड. एक्जैक्टली, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड इन ईच एंड एवरी केस. कुछ भी हो जाए, जब अजमल कसाब पकड़े गए थे तब भी रूल ऑफ लॉ फॉलो किया गया था ना यार, गोली तो उनको भी मारी जा सकती थी ना, लेकिन नहीं मारी गई. क्यों? क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो सबके लिए सबको मौका देता है कि भाई हो सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी रही हो. तो जब तक आप एविडेंसेस कोर्ट के सामने लेकर नहीं आएंगे, कोई भी हो, कोई भी सजा नहीं दे सकता एक्सेप्ट जुडिशियरी. समझ में आ रही बात? वो भी एविडेंस को एनालाइज करने के बाद. ये खूबसूरती है हमारे जुडिशियरी की. कई बार हम इन चीजों को गलत सेंस में भी ले जाते हैं कि यार डिले होता है, ऐसा होता है, लेकिन आप एक चीज समझ के देखिए, अगर हम ये अथॉरिटी किसी और को दे देंगे तो ये चीज का जंजाल बन जाएगा हमारे लिए. समझ में आ रही बात? अगर जो लिंचिंग स्टार्ट हो गई थी, जो बॉम्ब लिंचिंग हो रही थी कि भाई आप इस शक पर कि भाई आप गाय का मांस लेकर जा रहे हैं, बीफ लेकर जा रहे हैं, इस पर लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया था लोगों को. तो इनका बोलना ये था कि अगर इसको हम सही बोल देंगे कि भाई वो मांस, तो कई बार ये चीज सही भी थी कि भाई हाँ वाकई बीफ लेकर जा रहे थे, वो लेकर भी जा रहे थे, तो भी आपको जान से मारने की परमिशन किसने दे दी किसी को? समझ में आ रही बात? तो यहां पर हमेशा कोर्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि भाई कैसे कोई बंदा किसी को जान से मार सकता है और उस चीज को आप सही भी ठहरा रहे हो कि अरे हाँ वो तो बीफ लेकर जा रहा था. तो कोर्ट के सामने लेकर आइए ना, बीफ लेकर जा रहा था, सैंपल लेकर आइए, हम देंगे ना उसको सजा. भाई इंडिया में किसी को जमीन पर घसीट घसीट कर पब्लिकली मार देने का कंसेप्ट नहीं है. यहां पर अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी भी देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, तो उसको लटकाया जाता है, हैंग टिल डेथ. ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये भी रहता था कि मान लीजिए उसको लटकाया गया और बंदा नहीं मरा तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ये प्रोविजन नहीं होता है. कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है हैंग टिल डेथ, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक लटका के रखेंगे उसको. समझ में आ रहा है? सो फर्दर हुआ क्या, एग्रीड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, A3 एंड A4 फाइल्ड अपील. तो A3 एंड A4 ने, जसदीप सिंह ने और अमरप्रीत सिंह ने यहां पर अपील फाइल करी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरटर्न द जजमेंट रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट किया है तो उसको ओवरटर्न करिए, और जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको चेंज करने के लिए उन्होंने पिटीशन कहां, अपील कहां फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना? तो ये फैक्ट्स, आई थिंक द फैक्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ यू गाइज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन रिलेशन विद द फैक्ट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि अगर फैक्ट्स में कंफ्यूजन होगा तो कहीं ना कहीं आपको आर्ग्यूमेंट्स में और ऑब्जर्वेशन में इश्यूज आएंगे. ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं अपीलेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट पेश किए थे. तो अपीलेंट, द लर्न काउंसिल अपीलिंग फॉर द अपीलेंट सबमिटेड दैट द कोर्ट हैव कमिटेड एन एरर इन अप्लाइंग सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी. तो अपीलेंट ने क्या बोला, जो जसदीप सिंह के बिहाफ पर काम कर रहे थे और जो दूसरे थे अमरप्रीत सिंह के बिहाफ पर, उन काउंसिल ने क्या बोला,
जो सेक्शन 34 है ना उसको गलत तरीके से अप्लाई कर दिया है हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने। सेक्शन 34 जो है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है, जबकि कॉमन इंटेंशन यहाँ है ही नहीं। फर्दर इन्होंने क्या बोला, देयर इज एन इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट मेड बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 जो उनके फादर हैं। पहले उन्होंने ये चीजें कहीं नहीं बोली कि इन्होंने ये लिखा है, व्हाट आर यू सीइंग नाउ, व्हाट आर यू वाचिंग नाउ, अब तुम क्या देख रहे हो, ये स्टेटमेंट इन्होंने पहले पुलिस को जो कंप्लेन लिखाई थी एफआईआर में नहीं लिखा है, बाद में जब ये सेक्शन 161 के अंडर में चीजें दी गई तब जाकर इन्होंने ये चीज को अपने स्टेटमेंट को इंप्रूव किया था। समझ में आ रही बात। तो यहां पर इनका बोलना ये है कि भाई यहां पर सस्पिशन लगा हुआ है क्योंकि ये बंदा उनको भी बिताना चाहता था। समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर ये चीजें इनिशियली आई होती तब बात अलग होती। दूसरी चीज के तो इस हिसाब से सेक्शन 34 अप्लाई नहीं हो सकता था यहां पर। अब मेयर स्टेटमेंट पर से वुड नॉट बी सफिशियंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, और केवल एक स्टेटमेंट कि तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या देख रहे हो, ये सेक्शन 34 को इन्वोक नहीं कर सकता। ये चीज कौन बोल रहा है, अपीलेंट बोल रहा है बार बार। इट इज स्ट्रेंज दैट बोथ ऑफ देम मेड द सेम स्टेटमेंट, ठीक है ना, द प्रेजेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 इज वेरी डाउटफुल। तो इनका बोलना ये कि बहुत अजीब सी बात है कि दोनों ने एक साथ एक ही चीज बोल दी। समझ में आ रही बात, ये किसी ने गौर किया, यार ये चीज मैंने भी गौर नहीं की थी कि दो लोग एक साथ ये चीजें कैसे बोल सकते हैं, यार क्या देख रहे हो, मतलब दोनों ही ये चीजें चाह रहे थे कि कि अब गोली चला दो। समझ में आ रही बात, तो ये चीजें पॉसिबल बहुत कम होती हैं ऐसी, ठीक है। तो इनका बोलना ये है कि तो प्रेजेंस जो प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 की जो फादर की जो प्रेजेंस है ना वहां पर, कि उन्होंने वाकई ये इंसिडेंट होते हुए देखा है, ये डाउटफुल सिचुएशन में आ रही है, सस्पिशन बन रहा है। समझ में आ रही बात। ओके निहारिका, ओके आकांक्षा, क्लियर विद द फैक्ट्स, ओके। सो He had deposed that deceased used to come late and there was no complaint whatsoever. ठीक है ना, इनका बोलना यह है कि भैया deceased जो है वो normally late आता था, कोई complaint भी नहीं हुई थी कैसी भी, तो भैया आप वहां पर कर क्या रहे थे। समझ में आ रहा है, normally 1:15 बजे, भाई late का मतलब ये थोड़ी होटल चला रहा है बंदा, और late आने का भाई 11:30 तो वैसे ही बजते, और late आप बोल रहे हो कि भाई late आने की tendency थी, तो 1:15 बजे हम ढूंढने निकल गए उसको, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंज है, ये बात अजीब सी हो रखी है। If A2 brandized the gun before the deceased was shot by A1, it is only logical that A3 and A4 would have asked A2 to shoot first. तो इनका बोलना ये था कि जो एक already accused जो हैं, जो बंदूक हवा में लहरा रहे थे, दिखा रहे थे अपनी बंदूक already निकाल के रखे हुए थे, तो जो A3 और A4 हैं, वो गोली चलाने के लिए A2 से बोलेगा ना, क्योंकि ना कि A1 से, क्योंकि हमने तो जो चीजें देखी वो उन्होंने ये बोला कि भाई A1 से ये बोला गया कि भाई क्या कर, क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, तो उसने बंदूक निकाली, तो जो बंदा ऑलरेडी बंदूक निकाल के बाहर रखे हुए वो पहले गोली चला सकता, उससे बोलना ज्यादा बेटर हो जाता। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं खटक रही है कि भाई एक नए बंदे से बोला, जब उसने बंदूक निकाली उसने गोली चलाई, एक बंदा ऑलरेडी बंदूक निकाल के रखे हुए वो लहरा रहा है, उसी से बोलते थे भाई तू भी गोली मार दे। समझ में आ रही बात, तो ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रही है ये स्टेटमेंट, ये चीज अपीलेंट बोल रहे हैं यहां पर। ही फर्दर आर्ग्यूड दैट इवन द अदर विटनेसेस इन प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 हैज टर्नड हॉस्टाइल, तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 जो वहां पर फ्रेंड जिसकी बात की गई थी फैक्ट्स में, वो हॉस्टाइल हो चुका है, एंड सो ऑल्सो अनदर मेटेरियल विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 23, तो जो और जो एंड सो ऑल्सो अनदर मेटेरियल विटनेस नंबर प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 23, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो भी यहां पर हॉस्टाइल हो चुके हैं। तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस इट इज अ फिट केस वेयर द कन्विक्शन रेंडर्ड अगेंस्ट A3 एंड A4 आर टू बी सेटिसाइड, तो आप भाई A3 और A4 के अगेंस्ट में जो आपने सेक्शन 34 के अंडर में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन टेंशन के चक्कर में सेक्शन 304 लगा रखा है ना, इसको हटाया जाए, साइड से किया जाए, क्योंकि फर्दरेंस ऑफ कॉमन टेंशन तो बन ही नहीं रहा है यहां पर। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है ना। तो जो इनके जो अपीलेंट का जो वो है ना कंटेंशन वाला तगड़ा था इस वाले केस में, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्डेंट ने इस पर क्या आर्ग्यूमेंट दिए, द लर्न सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द डिफेक्टो कंप्लेनेंट सबमिटेड दैट एक्यूज आर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट के बिहाफ पर ये चीजें हो चुकी थी, सॉरी हाई कोर्ट ने इनका विक्टिम के फेवर में चीजें डाल रखी थी, तो जब ये केस आया तो डिफेक्टो कंप्लेनेंट के बिहाफ पर सीनियर काउंसिल को अपॉइंट किया गया। समझ में आ रही है बात, जो विक्टिम है उसके बिहाफ पर इनको अपॉइंट किया गया। तो ये जो रिस्पॉन्डेंट जो यहाँ पर काउंसिल है रिस्पॉन्डेंट के बिहाफ पर क्या बोल रहे हैं, दैट द अक्यूज आर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो अक्यूज हैं वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनकी खूब चलती है उस एरिया में, ठीक है। The case would comes under offense punishable under section 302 of the IPC. तो अब ये अलग ही बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो यहां तो सफा 302 लगनी चाहिए, ये तो मर्डर के चार्जेस के लिए इन्होंने बोल दिया कि ये 304 नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल, ये क्या है, ये मर्डर है। समझ में आ रही बात, ये साक्षात ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सोची समझी साजिश थी जिसके तहत में गोली मारी गई है इनको। समझ में आ रही बात, द ट्रायल कोर्ट हैज कमिटेड एन एरर एज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट इन ब्रिंगिंग इट अंडर सेक्शन 299। तो इनका बोलना यह है कि गलती से आईपीसी हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने इसको सेक्शन 299 की कैटेगरी में डाल दिया। समझ में आ रहा है, जबकि होना ये मर्डर के अंदर में चाहिए था, एंड देयरफॉर रॉन्गली अप्लाइड सेक्शन 304 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी।
उनका बोलना यह है कि भैया 300 लगाइए मर्डर और 302 के अंदर दीजिए इनको सजा, समझ में आ रही है बात? तो ये अलग कहानी ले जा रहे हैं, अलग लेवल पे। फर्दर ही फर्दर सेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन अक्यूज्ड विल हैव टू डू अ फिजिकल एक्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन आईपीसी 34 ऑफ द आईपीसी। इन्होंने क्या बोला कि भाई सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है, इसको रोल में लाने के लिए एक्चुअली हर बंदे को क्या है एक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हर बंदे को गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप वहां खड़े हो और कॉमन इंटेंशन है तो भी आप सेक्शन 34 के अंडर में लाइबल हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ये भी चीज उन्होंने बोली रिस्पॉन्डेंट ने, यहां पर जो काउंसिल है यहां पर रिस्पॉन्डेंट के बिहाफ पर, उन्होंने दस अ मेयर प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज वुड सफिस। तो जो वहां पर प्रेजेंस है ना अक्यूज की, अक्यूज नंबर 3 और अक्यूज नंबर 4 जसदीप सिंह और अमरप्रीत सिंह, तो इनकी जो प्रेजेंस है ना वो सफिशियंट है यहां पर। हेंस द अपील फाइल्ड बाय द डिफेक्टो कंप्लेनेंट बी अलाउड बाय मिसिंग द अपील फाइल्ड बाय द अक्यूज एंड अपीलेंट। तो यहां पर कहीं ना कहीं अपील डिफेक्टो कंप्लेनेंट ने भी फाइल की थी, दोनों ने साइड में साइमल्टेनियसली एक अपील फाइल की थी। ये क्या बोल रहे थे कि ये अक्यूज बोल रहे थे, इन्होंने जो अपील फाइल की थी उसमें कि भैया सेक्शन 34 के अंदर में हम लाइबल नहीं होंगे, तो जो जसदीप सिंह और अमरप्रीत सिंह है इनके अगेंस्ट में चार्जेस साइडलाइन किए जाए और इनको बरी किया जाए। इन्होंने क्या बोला रिस्पॉन्डेंट ने, रिस्पॉन्डेंट ने बोला कि भैया जो कंप्लेन है उसमें अपील फाइल करते हुए कि यार हाईकोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने तो इनको सेक्शन 304 में ले गए, ये तो सेक्शन 302 का केस है। समझ में आ रही है? ये कल्पेबल सर नॉट अमाउंटिंग का मर्डर नहीं है, ये हीट ऑफ इन द हीट ऑफ मोमेंट में काम नहीं किया गया, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये सोच समझ के किया गया। समझ में आ रहे? तो दोनों अपील चल रही है, अब देखते हैं कौन सी अपील मानी जाती है कौन सी नहीं मानी जाती। फाइनली फर्दर इन्होंने क्या बोला इन द लास्ट पॉइंट रिस्पॉन्डेंट जो काउंसिल उन्होंने क्या बोला था, काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट समिट सॉरी द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट, तो स्टेट का जो काउंसिल है उन्होंने क्या बोला सबमिटेड दैट कोगिन रीजनिंग वॉज गिवन बाय द हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने जो रीजनिंग दी वो सही दी है। द ट्रायल कोर्ट कंसिडर द एंटायर मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, और जो ट्रायल कोर्ट की अगर हम बात करें तो जितना भी अवेलेबल रिकॉर्ड था ऑन रिकॉर्ड जो चीजें थी मटेरियल था उन सबको एंटायरली उसको जज करके उसको एनालाइज करके ही उन्होंने चीजें करी हैं। रिकवरीज मेड हैव बीन प्रूव्ड, जो रिकवरीज हुई थी उनको प्रूव किया गया। अंडर दोज सर्कमस्टांसेस देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर विद द कन्विक्शन इन द सेंटेंस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने क्या बोला जो काउंसिल है अपीयरिंग फॉर द स्टेट कि सर ना तो इनका आप सुनो ना उनका सुनो, ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है और ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने चीज बोली है कि भैया सेक्शन 304 के अंडर में ये लाइबल होंगे पार्ट फर्स्ट के अंडर में, तो आप ना तो इनकी सुनो कि ये सेक्शन 302 बोल रहे हैं जो अपीलेंट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्डेंट, और जो ऑन बिहाफ ऑफ अपीलेंट जो ये चीजें बोल रहे हैं कि भैया क्या नाम है ये सेक्शन 34 को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उनको दोनों की नहीं सुनने की जरूरत है। ये जो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट ने बहुत ही प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट किया, जितने मटेरियल तो उनको ऑन रिकॉर्ड चेक करके तो उसके बाद ये डिसाइड किया, क्लियर हो रहा है? तो उनका बोलना ये फर्दर हमें चीजों को और ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स जंप ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है, सो बिफोर जंपिंग ऑन ऑब्जर्वेशन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इन केसेस को बनाने में हमें बहुत लिटरली बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? और आपके लिए हम ये जो केसेस डेली बेसिस पर लेकर आते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा वाकई में मोटिवेशन का रीजन बनता है, ठीक है? सो इन द फर्स्ट पॉइंट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इंटेंडमेंट ऑफ सेक्शन 34 इज टू रिमूव द डिफिकल्टीज इन डिस्टिंग्विशिंग द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पार्टी एक्टिंग इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंडमेंट है, जो इंटेंशन है सेक्शन 34 का, कि 34 के अंदर जो चीजें डाली गई थी उसके पीछे का रीजनिंग क्या थी, समझ में आ रहा है? इस टू रिमूव द डिफिकल्टी, तो इसका काम जो ये था सेक्शन 34 का कि भैया वो डिफिकल्टी जो है उसको रिमूव कर पाए इन डिस्टिंग्विशिंग द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ पार्टी, कि भैया सबका आप ये ना पूछो कि किसने क्या काम किया है, अगर कॉमन इंटेंशन है काम किसी ने भी किया सब बंदे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इनका बोलना यह है कि अगर कॉमन इंटेंशन फर्दरेंस में अगर कोई काम किया गया है, पांच लोगों ने मिला, पांच लोग मिलकर एक बंदा क्या करके लेकर आए, इन्होंने बोला कि भैया पांच लोग मिलकर एक बंदे का मर्डर प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चल रहा है, ठीक है? उनमें से एक बंदा क्या करता है, एक बंदा जाकर एक पिस्टल लेकर आता है, ठीक है ना? दूसरा बंदा जाकर ये पता करता है कि हाँ भाई ये बंदा किस किस टाइम निकलता है, किस किस टाइम घर लौटता है, कहां पर मिल सकता है। एक बंदा है उसने कार अपनी यूज करीब, कार में सबको बैठाकर वो लेकर गया, दो लोगों ने मिलकर गोली चला दी वहां पर। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर जो बोला जाएगा पांचों बंदूक के ऊपर मर्डर के चार्जेस आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो तो बोलेगा भाई हम तो बंदूक लेके आए थे वहां पर लगा दो, दूसरा बोलेगा कि यार हम तो गाड़ी चला रहे थे हमारे ऊपर काय के चार्जेस लगेंगे, तीसरा बोलेगा कि यार हमने तो यही तो देखा, तो जासूसी के लगाओगे, लगा दो जासूसी के, मर्डर के थोड़ी लगेंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बोलना यह है कि भाई सेक्शन 34 बनाया इसलिए गया था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगर कोई बंदा फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में कोई एक्ट किया जाता है तो सारे ही बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना? देयर
हैज टू बी अ साइमल्टेनियस कॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिमिनल एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिजल्ट. तो ये जो कॉन्शियस माइंड जो लगे होते हैं और साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेशन अपना वहां पर शो करते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक रिजल्ट को पाने के लिए कि भाई उनकी अल्टीमेटली इंटेंशन क्या थी, उस बंदे को मारना. तो चाहे वो बंदूक अरेंज करना हो, चाहे वो गाड़ी अरेंज करना हो, चाहे वो उसके बारे में पता करना हो, ये सारी चीजें जो हैं इसके पीछे का मोटिव ये था कि भाई बंदे को मारना है. समझ में आ रहा, अगर वो हो जाता है तो ये सारे सेक्शन 34 के अंदर में लाइबल हो जाएंगे. ठीक है, अ कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टेंस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड ऑल्सो रिक्वायर्स एन एक्ट और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इन फर्दरेंस ऑफ द साइड इंटेंशन. ठीक है, तो यहां पर कॉमन इंटेंशन, जो इंटेंशन वाली बात है ना, उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. तो यहां पर जो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एंड ऑल्सो रिक्वायर्स एन एक्ट, और एक ऐसा एक्ट चाहिए जहां पर आप ये बोल पाए कि हाँ भाई फर्दर ये जो कॉमन इंटेंशन के तहत ये चार चीजें हुई हैं. वन नीड नॉट सर्च फॉर कॉन्क्रीट एविडेंस. यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बोलना यह है कि बहुत ठोस एविडेंस आने की आपको जरूरत नहीं है, एज इट इज फॉर द कोर्ट टू कम टू ए कंक्लूजन ऑन अ क्यूमुलेटिव असेसमेंट. ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि भाई एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट लगाकर वो चीज डिसाइड करते हैं कि किस कंक्लूजन पर वो पहुंचे, क्या वाकई में कॉमन इंटेंशन था या नहीं था. इट इज ऑनली अ रूल ऑफ लॉ एंड दस डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस. तो इनका बोलना ये है कि इट इज ऑनली अ रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है, एंड दस नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस, और ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस जो है, अलग अलग ऑफेंस जो है वो क्रिएट नहीं करता है. क्लियर हो रहा है. इन द पॉइंट नंबर सेकेंड, टिल नाउ इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, सो इन द पॉइंट नंबर टू, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, ऑब्जर्व दैट नॉर्मली इन एन ऑफेंस कमिटेड फिजिकली द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज्ड चार्ज अंडर सेक्शन 34 आईपीसी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इनका बोलना ये है कि अगर हम बात करें तो इन एन ऑफेंस कमिटेड फिजिकली, जहां पर कोई ऑफेंस फिजिकली कमिट किया जा रहा है, कि द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज्ड चार्ज अंडर सेक्शन 34 आईपीसी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहां पर जो प्रेजेंस है ना एक्यूज की, वो रिक्वायर्ड होती है सेक्शन 34 में. अगर आप किसी बंदे को लेकर जा रहे हो तो वहां पर प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, स्पेशली इन अ केस वेयर द एक्ट एट्रिब्यूटेड टू द एक्यूज्ड इज वन ऑफ इंस्टिगेशन या एग्जॉर्टेशन. ठीक है, तो इनका बोलना यह है जहां पर उकसाने की बात की जा रही हो वहां पर उनकी जो प्रेजेंस है ना वो रिक्वायर्ड होती है सेक्शन 34 को लगाने के लिए. तो जिस केस में बात की जा रही है ना, कि जो दो बंदे उन्होंने बोला ना, क्या देख क्या रहे, व्हाट आर यू वॉचिंग नाउ, व्हाट आर यू सीइंग नाउ, तो यहां पर जो इंस्टिगेट करने की बात की जा रही है, तो यहां पर ये दो बंदे प्रेजेंट हैं, तो यहां पर सेक्शन 34 जो है अप्लाई हो सकता है, जो अभी तक चीजें जा रही है. ठीक है ना. हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस इन पर्टिकुलर व्हेन एन ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एक्ट डन एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस. तो इनका बोलना ये है सॉरी बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देयर फोर इट हैज टू बी सीन ऑन अ केस, सॉरी हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस. लेकिन उन्होंने बोला सेक्शन 34 में यहां पर भी एक्सेप्शंस होते हैं, इन पर्टिकुलर व्हेन एन ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एक्ट डन एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस. तो इनका बोलना यह है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई सब लोग प्रेजेंट होते हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से चीजें चल रही होती हैं. अगर हम यहां पर सेक्शन 34 का अप्लाई नहीं करें, तो अगर हम यहां पर इस ही एक्ट में ये देखें कि भाई वहां पर तीन चार बंदे खड़े हुए थे, एक बंदा हवा में बंदूक लहरा रहा है, एक बंदे ने गोली मार दी, दो बंदे बोल रहे थे भाई तुम क्या कर रहे हो, अगर उनका आपस में कॉमन इंटेंशन नहीं था और अगर उनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो अब इसकी तरफ तुम क्या देख रहे हो, इसको अगर हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन नहीं है यहां पर, तो भी ये चीजें हो सकती हैं कि भाई हो सकता है कि यहां पर कॉमन इंटेंशन ना हो और उन्होंने उनका बोलने का इंटेंशन नहीं हो और ये चीजें इस हिसाब से नहीं की गई. समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 है वो ऑलरेडी सस्पिशन में है यहां पर. तो इनका बोलना यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बंदे प्रेजेंट भी होते हैं फिर भी वहां पर कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होता है. फर्दर द देयरफॉर इट हैज टू बी सीन ऑन केस टू केस बेसिस. तो ये डिपेंड करता है केस टू केस पे. द वर्ड फर्दरेंस इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एड और असिस्टेंस इन प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट इन फ्यूचर. तो जो फर्दरेंस वर्ड यूज किया गया ना सेक्शन 34 में, उनका बोलना यह है कि ये इंडिकेट करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एड और असिस्टेंस इन प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट इन फ्यूचर. तो भाई जो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उसको लेकर अगर आप कोई भी एड या असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो तो उसको हम फर्दरेंस बोलते हैं. जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि पांच लोग मिलकर किसी का मर्डर करना चाह रहे थे और एक बंदूक लेकर आता है, एक गाड़ी अरेंज कराता है, एक नजर रखता है कि कब का बंदा आता है, तो आपने क्या करा कि फ्यूचर में होने वाले किसी इंसिडेंट के लिए आपने एड प्रोवाइड करा. एड कैसे प्रोवाइड करा, आपने गाड़ी प्रोवाइड कराई, आपने बंदूक प्रोवाइड कराई, आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई. समझ में आ रहा है, ये एड और असिस्टेंस आपने जो प्रोवाइड कराया तो भी आप कॉमन इंटेंशन के अंडर में लाइबल हो जाते हो, सेक्शन 34 आपके ऊपर बिल्कुल अप्लाई होता है. समझ में आ रही बात. दैट इज हैज टू बी कंस्ट्रूड एज एन एडवांसमेंट और प्रमोशन. अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही
इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिया था, आप लोग देखेंगे तो मजा जरूर आएगा। द सुप्रीम कोर्ट वाइल एक्सप्लेनिंग सेक्शन 34, सेक्शन 34 को एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेक्शन 34 है क्या, कि सेड दैट इट इज अ टीम एफर्ट किन टू अ गेम ऑफ फुटबॉल इन्वॉल्विंग सेवरल पोजिशंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन 34 है ना, ये एक तरीके की आप ये मान लीजिए जैसे फुटबॉल का जो गेम होता है ना, उसमें जो टीम का जो एफर्ट होता है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बंदे खेल रहे हैं लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, जैसे कि सच एज डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर एंड अ कीपर। ठीक है, तो डिफेंडर उनका काम क्या होता है, बॉल को अपनी गोल पोस्ट तक नहीं जाने देना, कीपर होता है वो बॉल को अंदर नहीं घुसने दे सकता है, समझ में आ रही। स्ट्राइकर जो है वो स्ट्राइक करता है, जो फ्रंट पर खेलता है। मिडफील्डर वो होते हैं जो बॉल को डिफेंडर से लेकर स्ट्राइकर तक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, जैसे हम बात करेंगे कि जो अगर आप हॉकी की बात करेंगे तो वहां पर फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है ना, तो सेंटर फॉरवर्ड होते हैं और डिफेंडर्स होते हैं, गोलकीपर्स होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर पोजीशन अलग होती है, फुटबॉल में पोजीशन अलग होती है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भैया सबका अपना अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक गेम को जीतने में। तो इनका सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला, अ स्ट्राइकर मे हिट द टारगेट व्हाइल अ कीपर मे स्टॉप एन अटैक। कि एक स्ट्राइकर जो है वो टारगेट पर हिट करता है, वो गोल पोस्ट पर, सामने वाले की गोल पोस्ट पर मारता है, जबकि कीपर क्या करता है, अटैक को बचाता है। समझ में आ रही है बात। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैच आइदर अ विन और अ लॉस इज बॉर्न बाय ऑल द प्लेयर्स दो दे मे हैव देयर डिस्टिंक्ट रोल। तो इनका बोलना यह है कि भाई जो भी मैच के जो भी रिजल्ट नतीजा जो भी निकलता है, चाहे वो जीते चाहे वो हारें, ये सारे प्लेयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनका जो रोल है सबका अपना अपना रोल है और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है किसी भी गेम में। समझ में आ रहा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डिफेंडर जो है ना उसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा। नहीं, बिल्कुल है। बॉल को आने से पहले, गोल पोस्ट तक पहुंचने से पहले, कीपर तक पहुंचने से पहले डिफेंडर्स होकर निकलना पड़ता है। सबका अपना अपना रोल है। तो वही सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि भाई यहां पर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऑल दो अगर देखा जाएगा तो गोल कौन मारता है, स्ट्राइकर ही मारता है, और अगर हम बात करें गोल को सेव करने की तो वो कीपर ही करता है, लेकिन सबके अपने अपने रोल है। समझ में आ रही बात। तो सब जो है वो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन सबका होता है, तब जाकर एक जो गेम है वो हार या जीत बदलता है। समझ में आ रही बात। तो यहां पर इन्होंने चीजों को रिलेट करके बताया। अ गोल स्कोर्ड स्टेट बाय मे बी द फाइनल एक्ट बट द रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। हो सकता है कि जो जो गोल का जो गोल करने की बात की जा रही हो, स्कोर हुआ या बचा लिया गया, ये फाइनल एक्ट मे बी द फाइनल एक्ट हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो मैटर करता है कि आप जीते हैं या हारे हैं। एज अगेंस्ट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु हैड इंपैक्टेड मोर द रिजल्ट इज शेयर बिटवीन द प्लेयर्स। ठीक है ना, तो इनका बोलना ये है कि जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जिनका इंपैक्ट ज्यादा होता है, जो ज्यादा गोल करते हैं भाई, उनको मैन ऑफ द मैच देते हैं, गोल्डन बूट है उनको अवार्ड किया जाता है। जैसे क्या बात करेंगे रोनाल्डो की या मेसी की, तो ये क्या है, सारी स्ट्राइकर्स हैं। समझ में आ रही। ये हिट करते हैं तो इनकी हमेशा से इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमेशा से बैट्समैन का बोलवाला रहा है। समझ में आ रहा है। उनको ही मैन ऑफ द मैच, उनको ही इनकी परफॉर्मेंस पर ही हमेशा इंडिया टिका रहा है। तो इनका बोलना यह है कि जो इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, इस बेसिस पर जो चीजें हैं वो रिजल्ट जो है वो शेयर हो जाता है बिटवीन द प्लेयर्स। द सेम लॉजिक इज द फाउंडेशन ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी विच क्रिएट शेयर्ड लायबिलिटी ऑन दोज हु शेयर द कॉमन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। तो भैया जिसने कॉमन इंटेंशन शेयर किया है क्राइम करने के लिए, उन सबके बीच में जो रिजल्ट है जो हुआ है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। आई थिंक द पॉइंट नंबर थर्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो समझ में सबको आया, अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपका। फर्दर इन द पॉइंट नंबर फोर्थ, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट देयर इज नो एविडेंस एट ऑल ऑन रिकॉर्ड टू होल्ड दैट A3 एंड A4 वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट A1 हैज हैविंग अ गन विद हिम। समझ में आ रहा है। तो इनका बोलना ये है सुप्रीम कोर्ट का कि भैया जो भी हमने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड चीजों को चेक किया है, क्योंकि बहुत सारे विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो चुके हैं, अब उनकी टेस्टिमनी पर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो उनका बोलना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहां पर फाउंड क्या हुआ है, कि क्या पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि देयर इज नो एविडेंस एट ऑल, कि कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं रिकॉर्ड में कि जिससे यह बोला जा सके कि A3 और A4 मतलब जसदीप सिंह और अमरप्रीत सिंह को पता थी ये बात कि भैया A1 के पास, जिसने राम सिमरन जो है जिन्होंने गोली चलाई, उनके पास बंदूक भी है। उन्हें कोई ऐसे फैक्ट ही नहीं कि उनको ये चीज पता हो कि भैया इनके पास पिस्तल है। ठीक है, द प्रोसिक्यूशन वॉन्टेड टू इम्प्लीकेट A3 एंड A4 मेनली ऑन द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13। तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 जो है वो A3 A4 को उनके बेसिस पर फंसाना चाह रहे थे, जो इन्होंने बोला था ना कि एक रात पहले इनके बीच में चल रहा था कि भाई हम डिसीज को जाकर ऐसा ऐसा करेंगे, तो कॉमन इंटेंशन वहीं शेयर हो गई थी। समझ में आ रहा है। तो भाई पहले से लोग प्लान बना के आए थे। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 जो है
वो कहीं ना कहीं हॉस्टाइल हो चुका था और उसकी टेस्टिमनी पर रिलाई नहीं किया जा रहा था। ये तो ट्रायल कोर्ट ने ही मना कर दिया था कि भाई इसकी टेस्टिमनी पर हम रिलाई नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। तो ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि इस बेसिस पर ही आप अगले बंदे को A3 A4 को आप किसमें घसीट रहे थे, कॉमन इंटेंशन में, समझ में आ रहा है सेक्शन 34 में, तो उसको नहीं किया। और वंस द सेड एविडेंस वाज नॉट एक्सेप्टेड, और एक बार उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मोर केयर ऑट टू हैव बीन टेकन बिफोर द कन्विक्टिंग A3 एंड A4 अंडर सेक्शन 34 ऑफ द IPC। तो ये चीज हमने पहले ही पढ़ी थी कि अगर कोई भी एविडेंस जिसमें प्रूफ किया जा रहा है उसको कोर्ट लेने से मना कर देता है, तो बाकी जो एविडेंस लिए जाने हैं उस पर कहीं ना कहीं केयर और अटमोस्ट केयर और कॉशन अप्लाई करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 था जिसने ये बोला था कि हाँ हमने सुना है कि A3 A4 ये सब लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि इनको मारना है, जब उसके एविडेंस को नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि भैया A3 A4 के अगेंस्ट में आपको जो वो है पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करने हैं, बहुत जो एविडेंसेस हैं बहुत ध्यान से लेने, समझ में आ रही है बात। वी हैव नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग दैट अ कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस, और हमारे लिए परेशानी बिल्कुल नहीं है इन होल्डिंग दैट अ कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड, कि भैया जो कॉमन इंटेंशन है वो बिल्कुल एट द पॉइंट एट द टाइम ऑफ द अकरेंस भी बनाया जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 जो है, जब अब बात ये निकल के आ जाती है ना कि ट्रायल कोर्ट ये, तो फिर ट्रायल कोर्ट ने किस बेसिस पर इनको सेक्शन 34 के अंडर में लायबल ठहरा दिया, समझ में आ रही बात, इन दोनों ही A3 और A4 का, अक्यूज नंबर थर्ड अक्यूज नंबर फोर्थ को, समझ में आ रही बात। तो कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल हम इन चीजों पर बिलीव रखते हैं कि भाई एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्ट, जब एक्ट हो रहा था उस टाइम पर भी कॉमन इंटेंशन हो सकती है, समझ में आ रही बात। तो उस बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया था। However, the evidence available is not sufficient enough to hold that the section 34 IPC is attracted as against the A3 and A4. Supreme Court ने क्या बोला कि भाई यहां पर sufficient evidence नहीं है जिसके basis पर जो A3 और A4 हैं इनको किसी भी तरीके से liable ठहराया जा सके under section 34 of the IPC. Especially when the testimony of prosecution witness number 13 did not find the favor. तो इनका बोलना था especially तब की तब जब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 जो कि स्पेशली बात कर रहा था सेक्शन 34 को रिलेटेड इनके अगेंस्ट में, उसके टेस्टिमनी को आपने नकार दिया, समझ में आ रहा है। वी फर्दर नोट दैट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट सेट टू हैव बीन मेड बाय द A3 एंड A4 देयर इज नो अदर मटेरियल टू इम्प्लिकेट दैम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल एक वही स्टेटमेंट है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 जो उनके फादर ने बोला था कि A3 A4 ने क्या बोला कि व्हाट आर यू सीइंग नाउ, अब तुम क्या देख रहे हो, जिसके बाद उन्होंने गोली चलाई। तो केवल यही स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर ये बोला जा सकता है कि हाँ भाई कॉमन इंटेंशन था, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का बोलना ये कि कोई भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पर इनको सेक्शन 34 के अंदर पेनलाइज किया जा सके, समझ में आ रही बात। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सो बिफोर जंपिंग ऑन जजमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। सो बिफोर जंपिंग ऑन द जजमेंट, अगर आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, सो लेट्स जंप ऑन द जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजय कृष्ण कौल एंड जस्टिस M.M. सुंदरेश held that evidence available is not sufficient enough to hold that section 34 IPC are directed as against the A3 and A4. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजय कृष्ण कौल एंड जस्टिस M.M. सुंदरेश ने क्या बोला कि भैया सफिशियंट यहाँ पर एविडेंस नहीं है जिससे कि हम सेक्शन 34 के अंडर में A3 और A4 जो एक्यूज नंबर 3 और एक्यूज नंबर 4, बाकी की बात क्यों नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने अपील ही फाइल नहीं करी है, समझ में आया, दो ही बंदों ने अपील फाइल की थी। तो इनका बोलना यह है सेक्शन 34 के अंदर दोनों बंदे लाइबल नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि आप जो स्टेटमेंट आप जो चीज बोल रहे हैं आपके पास एविडेंस नहीं है उस चीज के लिए, तो सेक्शन 34 को प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए जो यहां पर नहीं मिल रहा है। स्पेशली व्हेन द टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 डिड नॉट फाइंड फेवर विद द कोर्ट। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13 की जो टेस्टिमनी थी उसको साइडलाइन कर दिया गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं ये सही नहीं है। वी फर्दर नोट दैट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट सेट टू हैव बीन मेड बाय A3 एंड A4 देयर वाज नो अदर मटेरियल टू इम्प्लीकेट दैट। तो कोई और मटेरियल था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। द अपेक्स कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय A3 एंड A4 इज एज फॉलोज, व्हाट आर यू सीइंग नाउ, तो आप क्या देख रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफर किया स्टेटमेंट कि भैया जो A3 A4 ने जो स्टेटमेंट बोला, द क्वेश्चन इज टू वेदर द सेड स्टेटमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 पार्ट 1 ऑफ द IPC। तो इनका बोलना यह था कि द क्वेश्चन इज कि क्या ये कहा हुआ स्टेटमेंट सेक्शन 304 का पार्ट बन सकता है, इसको लायबल ठहरा सकते हैं इन दोनों को। We have already noted the fact that had A2 fired at the decedent in pursuance of the statement made by A3 and A4. समझ में आ रहा है। तो इनका बोलना ये था कि भैया A2 भी फायर कर सकता था A3 और A4 के स्टेटमेंट बोलने पर, ठीक है, स्टेटमेंट वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक, क्या बोल रहा है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड द फैक्ट दैट हैड A2 फायर्ड एट द डिसीज इन पर्सुएंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय A3 एंड A4। ओके, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये चीज बोली क्योंकि A2 जो है वो ऑलरेडी अपनी बंदूक को बाहर निकाल कर लहरा रहा था, समझ में आ रहा है। तो इनका बोलना ये था कि अगर A2 ने फायर किया होता तब सिचुएशन कुछ और होती, तो हम ये चीज मान लेते कि हाँ भाई उनको बंदूक दिख रही है और वो बंदा लहरा रहा, तो तब ये चीजें बोल रहे हैं व्हाट आर यू सीइंग नाउ, तुम क्या देख रहे हो, मतलब गोली मारो।
अब यहां पर यही प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन कि भैया एवन के पास बंदूक भी थी, तो ये कैसे मान लिया जाएगा कि उन्होंने एवन को इंस्टिगेट किया था बंदूक चलाने के लिए? अगर ए टू ने चलाई होती तो बात अलग होती, ए टू ने नहीं चलाई, गोली किसने चलाई? एवन ने चलाई। समझ में आ रही बात? तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना आप। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोली कि इट इज पॉसिबल दैट द सैड स्टेटमेंट हैज बीन मेड ओनली टू अटैक अदरवाइज द डिसीज। तो इनका बोलना यह था कि केवल अटैक करने के लिए चीजें बोली गई हूं डिसीज को, सफिस इट इज टू होल्ड दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अपने केस को रीजनेबल डाउट तक प्रूव नहीं किया, मतलब सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। डाउट एज अगेंस्ट A3 एंड A4 बाय रिफ्लेक्टिंग द ऑफेंस कमिटेड बाय A1 टेकिंग अम्ब्रेज अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। तो भाई सेक्शन 34 आईपीसी के अंडर में जो A1 ने जो गोली चलाई थी उसके अंदर आप चीजों को प्रूफ नहीं कर पाए। क्लियर हो रहा है? सो लेट्स वी हैव लास्ट पॉइंट फॉर द डे। सो द सुप्रीम कोर्ट बाय सेटिंग असाइड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए क्या बोला? हाई कोर्ट डिड नॉट इवन कंसीडर द इंपोर्ट ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी एज अगेंस्ट A3 एंड A4। तो इनका बोलना यह था कि हाई कोर्ट ने चीजों को क्या नहीं करा, इंपॉर्टेंस को ध्यान ही नहीं दिया कि सेक्शन 34 की बात है क्या, वो बोल क्या रहा है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 34 का, समझ में आ रहा है बात, और कैसे सेक्शन 34 प्रूव होता है। वी फाइंड दैट द अप्रोच ऑफ द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट बी सस्टेन टू दैट एक्सटेंट इन द लाइट ऑफ अवर डिस्कशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जब हम ट्रायल कोर्ट की चीजों को देख रहे हैं, अप्रोच को देख रहे हैं, तो वो भी सस्टेन नहीं कर रही है। यहां पर जो हम फैक्ट यहां पर देख पा रहे हैं उसमें जो ट्रायल कोर्ट ने चीजें बोली वो सस्टेन नहीं कर रही है, ठीक है। दस वी आर इंक्लाइन टू सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कंफर्मिंग दैट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों ही जजमेंट को उन्होंने सेट असाइड किया। अगेंस्ट द अक्यूज अपीलेंट नेमली A3 एंड A4 आर अलोन कंसर्न्ड, द अपील ऑफ द अपीलेंट इज अलाउड। तो जो अपील अपीलेंट की जो अपील थी उसको अलाउ किया गया। जो रिस्पॉन्डेंट ने अपील की थी ना सेक्शन 302 लगाओ इसके ऊपर, सेक्शन 304 नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है, उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। यहां पर दो अपील फाइल की गई थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्डेंट की अपील को साइडलाइन करते हुए इनकी अपील को अलाउ किया और बोला कि नहीं, यहां पर सेक्शन 34 के अंदर आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, जब सेक्शन 34 नहीं अप्लाई हो रहा तो 304 जो सेक्शन 304 है वो तो अप्लाई होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर इनको जो जजमेंट इनके ऊपर जो इनको कन्विक्शन दिया गया था उसको सेट असाइड किया गया और इनको फाइनली एक्विटल दिया गया। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द केस इज ऑल अबाउट। तो यहां पर एक ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पर पनिशमेंट देते हैं सेक्शन 304 के अंदर में सेक्शन 34 के इंटरप्रिटेशन के साथ, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई सेक्शन 34 यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सो क्लियर है? सो आई थिंक द पॉइंट द केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या बाद में भी अगर आप इस केस को पढ़ते हैं या अगर कोई मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहा है तो अगर उसको कोई इशू आ रहा है तो आप अगर रोस्टम लीगल की स्टूडेंट है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, हम रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल कर देंगे आपको, ठीक है ना। सो प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस टाइप के केसेस आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं केसेस की, वो केसेस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमेशा हमें रटना नहीं होता है, केवल जजमेंट से काम नहीं चलता है। अगर मैं आपको फैक्ट्स नहीं बताता तो आपको नहीं समझ में आता कि सेक्शन 34 क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है यहां पर, समझ में आ रही बात। तो फैक्ट्स, इशूज, आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ द पार्टीज, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी केस को समझने के लिए, और जो हमारे पास मटेरियल ऑन रिकॉर्ड होता है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। तो इससे बहुत पढ़कर बनाना पड़ता है, तो ये जो केसेस हम के लिए लाते हैं इसमें बहुत लिटिल मेहनत लगती है, लेकिन कहीं अगर आप इन चीजों को वाकई यूज कर पाएंगे तो ये हमारे लिए वाकई में लगेगा कि हमने अच्छा काम किया, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज थोड़ा जजमेंट एनालिसिस की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, तो अभी आप रेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन, और कल हम सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में फिर मिलेंगे। कई सारे बच्चे मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि जो लाइव इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यार। तो आपको जो कंफ्यूजन आ रहा है और जो भी है वो चीजें शॉर्ट आउट की जाएंगी। एंड अखिल, आई मेक श्योर कि आपने जो मुझे मैसेज किया है उस पर मैं जल्दी से जल्दी चीजें इनिशिएट करूँ। हो सकता है आपने जो केसेस मुझे सजेस्ट किए वो मैं केसेस आप लोगों को मैं बिल्कुल पढ़ाऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट केसेस अगर मुझे लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो केसेस इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल मैं वो केसेस को लेकर आऊंगा, ठीक है ना। सो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।